Good morning to all of you. Good morning. Good morning. आज हम लोग बात करेंगे टेडोफाइट्स के पार्ट थ्री लेक्चर्स के अंदर स्पोरोफाइट जनरेशंस गैमेटोफाइट्स के बारे में जानेंगे और स्पोरिंजिया स्पोर्स और लाइफ साइकिल्स के अंदर स्टील कैसा होता है उसके स्पोरोफाइट में रूट स्टेम लीफ के बारे में और एक एक करके हम एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग. आप सबको मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे है. और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये टेडोफाइट्स का पार्ट थ्री लेक्चर्स है जिसमें हम लोग बात करेंगे डिटेल से स्पोरोफाइट जनरेशन में और कौन कौन सी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं. अभी तक हमने आपसे बात किया था टेडोफाइट्स के बेसिक इन्फॉर्मेशंस के टर्म्स, उसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स, उसके हैबिट और हैबिटेट के बारे में बात किया था. अब हम लोग बात करेंगे उसकी लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट्स में क्या क्या करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं और टेडोफाइट में स्टील कैसी पाई जाती है, इनकी लोग एक एक करके चर्चा करेंगे. तो हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में इन सब पे बात करेंगे. गुड मॉर्निंग सतीश जी. गुड मॉर्निंग राजेश. गुड मॉर्निंग श्वेता जी. गुड मॉर्निंग आदेश. गुड मॉर्निंग रोहिना जी. गुड मॉर्निंग. आप सबका मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल पे. और हम लोग स्टार्ट करते हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग बात कर रहे थे टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट क्या होती है इसके बारे में, स्पोरोफिटिक कंडीशंस के बारे में. अगर आप देखो तो हमने आपसे बताया था पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने बात किया था लाइफ साइकिल की. अगर मैं बात करूं तो आपने देखा था कि आप देखिए हम लोग बात करेंगे आज जिसके बारे में वो पार्ट होगा आपका स्पोरोफाइट जनरेशन. स्पोरोफाइट के बारे में अगर स्पोरोफाइट की अगर हम बात करें तो मैंने आपको जैसा कि बताया था कि अगर आप ध्यान से देखें तो स्पोरोफाइट जो होती है टेडोफाइट्स के अंदर स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी जो होती है वो बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड होती है. रूट स्टेम और लीफ और मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है. जो स्पोरोफाइट होती है बेसिकली वो क्या होती है डिप्लॉयड होती है. इसके बारे में हमने बात किया था जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं लीफ यहाँ पे ये इसकी लीफ है और ये वाला पार्ट इसका राइजोम और स्टेम होता है और यहाँ पे आप उसको रूट देख रहे हैं. तो टेडोफाइट्स का जो प्लांट होता है किसी भी टेडोफिटिक प्लांट्स को अगर आप देखोगे तो वो क्या होगा स्पोरोफाइट फेज में होगा और वो डिप्लॉयड होगा जिसमें रूट स्टेम लीफ तीन पार्ट में डिवाइड होता है. चूंकि इसका नाम स्पोरोफाइट रखा गया है तो इसका मतलब इस फेज के अंदर स्पोर का निर्माण होगा. तो यहाँ पे आपको देखना है कि रूट में स्पोर का फॉर्मेशन होता है कि स्टेम में होता है या लीफ में. तो लीफ के अंदर क्या होता है स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है. तो जो यहाँ पे लीफ होती है बेसिकली लीफ के पास क्या होता है ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया होता है. स्पोरेंजिया होता है ग्रुप में पाई जाती है लीफ के इनर साइड पे. लीफ के इनर लीफलेट पे क्या होता है स्पोरेंजिया पाई जाती है ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया जिसे हम क्या कहते हैं सोरस कहते हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में ये क्या है लीफ है लीफ और यहाँ पे बहुत सारे आपको दिख रहा है ये क्या है सोरस यानी क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया. क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया जिसे क्या कहते हैं सोरस कहते हैं. और जो स्पोरेंजिया होती है सिंगल स्पोरेंजिया होती है उसके अंदर हमको मिलता है स्पोर मिलता है. तो
तो आपने देखा कि यहां पे देखिए ये क्या है, सोरस। यहां पे आप देख सकते हैं सोरस, और इस सोरस के अंदर क्या है, स्पोरेंजिया पाई जाती है। और सोरस के अंदर क्या है, और सिंगल स्पोरेंजिया के अंदर जब आपको मियासिस होती है, स्पोर मदर सेल के अंदर, तो हमारा फॉर्मेशन होता है स्पोर। और स्पोर कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है, जैसा कि आप देख रहे हो। तो आज हम बात करेंगे स्पोरोफाइट फेज की, बात करेंगे तो हमको ये देखने को मिलता है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ये जो आपका स्पोर है, स्पोर को फॉर स्पोर मदर सेल, इस स्पोर मदर सेल में मियासिस हुआ और स्पोर बन के तैयार हुआ। और ये स्पोर क्या है, हैप्लॉयड है, और ये स्टार्ट हो जाता है गैमेटोफाइट स्टेज। आप यहाँ पे देख रहे हैं मियासिस होते ही क्या होता है, स्पोरिंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल में मियासिस होती है, स्पोर का निर्माण हो जाता है, गुड मॉर्निंग, टू ऑल ऑफ यू, सबका मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे है। तो आप देख रहे हैं, चलो तो हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह से स्पोरोफाइट में प्लांट बॉडीज होती है, रूट स्टेम लीफ में डिवाइड होती है, और जो स्पोर बियरिंग ऑर्गन होता है वो लीफ होता है। लीफ में क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया पाई जाती है, जब ग्रुप में स्पोरेंजिया पाई जाती है लीफ के ऊपर तो उसे कहते हैं सोरस, और उस सोरस के अंदर बहुत सारे स्पोरेंजिया पाए जाते हैं, और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल पाई जाती है जिसमें मियासिस डिवीजन होता है और स्पोर का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, अगर आप देखेंगे तो यहां पे भी देख सकते हैं, जैसे ये देखिए, ये जो इसकी लीफ है, आपकी है, इसमें क्या पाया जा रहा है, सोरस। सोरस के अंदर क्या पाया जा रहा है, स्पोरेंजिया, और इस स्पोरेंजिया के अंदर क्या हो रहा है, मियासिस हो रही है, फिर क्या हो रहा है, स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि एक लीफ के अंदर बहुत सारे, लीफ के किसी भी टेरिडोफाइट्स में देखोगे तो उसके लीफ पे बेसिकली फर्न की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, कभी कभी यही स्पोरस के स्पोरेंजिया क्या होती है, क्लस्टर में फॉर्मेशन करके कोन लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, स्ट्रोबिलस का भी निर्माण कर देती रहती हैं, तो अभी आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये स्पोर का फॉर्मेशन हुआ, और इनकी लाइफ साइकिल देखिए, हैप्लॉयड स्पोर का फॉर्मेशन होता है, फिर ये यंग गैमेटोफाइट को बनाती हैं, और फिर इसके बाद क्या होती है, इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो आपने ये चीज देख लिया, अगर मैं बात करूं तो आप इस तरह से ये समझ सकते हैं, अगर हम बात करें इसका मतलब, हमको एक चीज समझ में आ गया, अगर हम देखें यहां पे दो तीन टर्न को हमको समझ लेने की जरूरत है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि स्पोर बियरिंग लीफ, आप कहते हैं स्पोरेंजिया, बियरिंग लीफ को एक कॉमन नाम देते हैं, उसका नाम होता है स्पोरोफिल। याद रखिएगा, जो लीफ होती है स्पोर को रखती है, स्पोरेंजिया को रखती है, उसका नाम क्या होता है, स्पोरोफिल होता है। देखिए स्पोरोफिल होता है, स्पोरोफिल का निर्माण होता है। इसका मतलब आप देख सकते हो यहां पे कि ये क्या है, स्पोरोफिल। स्पोर को बियर करने वाली या स्पोरेंजिया को बियर करने वाली लीफ को क्या कहते हैं, स्पोरोफिल कहते हैं। याद रखिएगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट में बन, और ये किसको रखती है, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर कौन होता है, स्पोर मदर सेल होता है। इस स्पोर मदर सेल में क्या होती है, मियासिस होती है, और फॉर्मेशन किसका होता है, हैप्लॉयड स्पोर का। स्पोर किसको जर्मिनेट करके बनाता है, गैमेटोफाइट का बनाता है। ये गैमेटोफाइट का निर्माण करता है जो आपकी हैप्लॉयड होती है, ये क्या करता है, जर्मिनेट करके
आपको बनाता है स्पोर, गैमेटोफाइट बनाता है। और गैमेटोफाइट कैसी होती है? इनकॉन्सिप्यूस मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक थायलॉइड गैमेटोफाइट्स होती है। तो इस तरह से आप देखोगे कि ये स्टेप आपको याद रखने की जरूरत है कि स्पोर बियरिंग लीफ, स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ स्पोरोफिल होता है, और स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, स्पोर मदर सेल का मियासिस डिवीजन, स्पोर का फॉर्मेशन होता है, स्पोर जर्मिनेट करके प्रोथैलस और गैमेटोफाइट करना होता है। तो अगर हम बात करें, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आप सबका मोस्ट वेलकम है। तो आप इस तरह से देख रहे हो कि किस तरह से स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं, एक आउटलाइन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी होपफुली कि स्पोरोफिल स्पोरेंजिया, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि स्पोरोफिल स्पोरेंजिया स्पोर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कैसे गैमेटोफाइट बनता रहता है। अब हम बात करें, अगर हम बात करें इस डायग्राम के अंदर, तो आप देख रहे हैं कैसे ये आपका, देखिए स्पोर जर्मिनेट कर रहा है, जर्मिनेट कर रहा है स्पोर, और जर्मिनेट करने के बाद ये किसको बना रहा है, ये आपका गैमेटोफाइट बना रहा है, गैमेटोफाइट का बना रहा है, गैमेटोफाइट का निर्माण कर रहा है। और जो गैमेटोफाइट कैसी है, ग्रीन कलर की दिख रही है, देखिए ये ग्रीन कलर क्या है, ऑटोट्रॉफिक है एंड मोनोसियस है, और यहाँ पे इसे प्रोथैलस भी कहा जाता है। और ये कैसी होती है, हैप्लॉयड होती है लेकिन इंडिपेंडेंट होती है। ओके, दीना दादा जी बोल रहे हैं क्लास अर्ली हो सकती है क्या? देखो भाई, क्लास का टाइम क्या होता है, कभी भी जब मेरे पास समय मिलता है तो मैं क्लास ले लेता हूँ, मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, ठीक है? तो क्लास कभी भी हो जाती है, बस आप रेडी रहिए, जब क्लास मिलती है लाइव क्लास तो आप देख लिया करिए, ठीक है? तो इस तरह से हम देखेंगे एक एक करके। तो इस तरह से अगर हम बात करें, तो देखो आप लोग, तो आपने इस तरह से देखा क्या, अगर हम बात करें, अब एक एक करके थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हमको जानना है, हमको क्या क्या जानना है। तो हमने आपसे बताया था कुछ करेक्टर्स आपको याद हो, प्लांट बॉडी, तो बेसिकली प्लांट बॉडी क्या होती है, हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, स्पोरोफाइट को जहां से ध्यान रखें हम, स्पोरोफाइट, तो आपको क्या क्या याद रखना है, स्पोरोफाइट। तो प्लांट बॉडी कैसी होती है, प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफिटिक, पहला करेक्टर आपको ये याद रखना है, प्लांट बॉडी कैसी होती है, स्पोरोफाइट फाइट्स में, और ये कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है, टू इन होती है, ठीक है? अगर हम देखें, स्पोरोफाइट होती है, दूसरी पॉइंट हमको याद रखने जो आपके इंपॉर्टेंट है, देखो दे आर सो मच वेरिएशन इन द साइज एंड हैबिटेट, इनकी साइज और हैबिटेट में वेरिएशन है, और ये कुछ एनिमल प्लांट्स होते हैं, जैसे बताया ना स्मॉल एनिमल्स जैसे एजोला होते हैं, कुछ ट्री लाइक भी होते हैं, पेरिनियल होते हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स बताया था एंजियोटेरिस, मराठिया ट्री फर्न्स है आपके, साइथिया ट्री फर्न है, ये कुछ क्या है, ट्री फर्न भी पाए जाते हैं जो पेरिनियल इन नेचर्स के होते रहते हैं। ओके, तो आप देखेंगे एनिमल टेरिडोफाइट्स भी होते हैं जो कुछ समय के लिए होते हैं, एक वर्ष ही होते हैं, एनुअल होते हैं, और कुछ पेरिनियल भी होते हैं, बहुत लंबी लाइफ साइकिल की होती रहती है, जो ट्री लाइक फर्न होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना, आपको याद हो मैंने क्या बताया था, साइथिया एंजियोप्टेरिस, ये सब हम लोगों ने नाम बताया था, मराठिया, ये सारे आपके पेरिनियल्स थे। मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है, जो मैंने आपको बताया था कि तीन पार्ट में बटी होती है, रूट स्टेम और लीफ में बटी होती है, ये बात भी आपको समझ में आ रही है, रूट स्टेम लीफ में बटी होती है, जैसा कि आपको मैंने दिखाया। याद रखने वाली बात है कि प्राइमरी रूट इपीमेरल होती है, जो जल्दी ही रिप्लेस कर दी जाती है एडवेंटिशियस रूट, याद रखिएगा, आप अगर टेरिडोफाइट्स या आपने रूट की स्टडी की होगी तो रूट भी दो तरह की होती है, एक होती है टैप रूट, दूसरी होती है एडवेंटिशियस रूट होती है। क्योंकि यहाँ सीड का निर्माण नहीं होता है, यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए रेडिकल का भी फॉर्मेशन नहीं होता है,
और रेडिकल नहीं बनती है तो टैप रूट का भी फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ जो रूट बनती है वो कौन होती है, एडवेंटिशियस रूट। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि टेरिडोफाइट्स की रूट जो होती है दैट इज द एडवेंटिशियस रूट, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नो टैप रूट, यहाँ पे कौन से रूट है, एडवेंटिशियस, दैट मे बी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। अब हम बात करते हैं स्टेम की, अगर बात करें तो यहाँ पे स्टेम कैसा होता है, बेसिकली अंडरग्राउंड राइजोम होता है या बाय विच फर्न्स रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली, सम प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ द ट्री लाइक स्टेम। कहने का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं कि स्पोरोफाइट तीन भाग में बटी है, रूट, स्टेम, लीफ। जो स्टेम होता है बेसिकली ज़्यादातर अगर हॉरिजॉन्टल रूप में हो या थोड़ा सॉइल के नीचे पाया जाता हो तो वो राइजोमेटिक फॉर्म में पाया जाता है, जिसको एक नाम देते हैं राइजोम। तो राइजोम भी क्या, दैट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, जिसको एक नाम दिया गया है राइजोम दिया गया है। ओके, तो हम लोग देखेंगे इस तरह से ये तीन पार्ट में बटा हुआ है। तो आपने देखा क्या, अब हम बात करते हैं लीफ की। लीफ अगर हम देखें टेरिडोफाइट्स के अंदर, लीफ की मैं बात करूं, अगर टेरिडोफाइट्स के अंदर मैं बताया कि स्पोरोफाइट बेसिकली क्या होती है, आपने देखा स्पोरोफाइट तीन पार्ट में बटी हुई है, लीफ, स्टेम और तीसरा है रूट, तीन करेक्टर बटी हुई होती है। और आप देख रहे हैं कि जो आपकी अब लीफ जो है, अगर मैं लीफ की बात करूं तो बेसिकली लीफ तीन ग्रुप में बटी होती है। अगर आप देखो तो एक होता है माइक्रोफिलस लीफ, लीफ, दूसरा होता है मेगाफिलस लीफ, तीसरा आपके सामने होता है स्पोरोफिल लीफ। तो इन तीनों का अंतर हमको समझने की जरूरत है, क्योंकि जब हम टेरिडोफाइट्स पढ़ते हैं तो हमको ये देखना पड़ेगा ना कि माइक्रोफिलस लीफ क्या होता है, मेगाफिलस लीफ क्या होता है, स्पोरोफिल लीफ क्या होता है, इन तीनों के डिफरेंस को हम एक एक करके समझेंगे। साथ साथ हमको एक दो टर्म और जानना यहाँ पे है कि सिंपल लीफ क्या होती है और कंपाउंड लीफ में क्या डिफरेंस होता है, इनको जानना पड़ेगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे इसके बारे में। तो अगर हम बात करें, और साथ साथ मैंने कहा कि दो टर्म की डिफरेंस को हमको और जानने की जरूरत है। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं सिंपल लीफ क्या होती है और कंपाउंड लीफ क्या होती है, कंपाउंड लीफ में क्या अंतर होता है, ये आपको जानना पड़ेगा। अगर आप इसको समझेंगे तो चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ, इनके बारे में जानने की जरूरत होती है। सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ क्या होती है, तो ये टर्म जो लीफ के बारे में, माइक्रोफिलस लीफ कहते हैं, मेगाफिलस, माइक्रो मीन्स छोटी छोटी लीफ जिसके पास पाई जाती हैं, मेगाफिलस जिसमें थोड़ा लार्जर कंपाउंड लीफ की तरह पाई जाती रहती हैं, स्पोरोफिल क्या होता है जो स्पोर को बियर करता हो, स्पोरेंजिया को जो बियर करता है, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है, जिस लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया बनता है उसको स्पोरोफिल कहा जाता है। जो छोटी छोटी लीफ होती हैं वो माइक्रोफिलस लीफ होती हैं, जो थोड़ी लार्जर कंपाउंड लीफ की तरफ आ जाती हैं जैसे फर्न के अंदर, उसे कहते हैं मेगा स्पोरोफिल्स कहते हैं, मेगाफिलस कहते हैं, लीफ कहते हैं। सिंपल लीफ क्या होती है, कंपाउंड लीफ क्या होती है, इसको जानना जरूरी है टेरिडोफाइट को पढ़ने के लिए। तो थोड़ा सा हम देखते हैं एक एक करके इनके बारे में। यहाँ देखिए लीफ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि लीफ बेसिकली जो होती है, लीफ क्या होती है, स्केली लीफ, स्केली स्मॉल्स एंड सेसाइल, स्मॉल और सेसाइल कहाँ होती है, लाइकोपोडियम में, लार्ज पेट्यूलेट कंपाउंड लीफ, कंपाउंड कहाँ पाई जाती है, फर्न में पाई जाती है, फर्न के अंदर पाई जाती है। तो हम एक एक करके थोड़ा सा देखते हैं स्केली लीफ क्या होती है। देखिए अगर हम बात करें, यस, यहां पे अगर हम देखें तो ये स्केली लीफ कहाँ पाई जाती है, इक्विसिटम में, याद रखिएगा इक्विसिटम के अंदर लीफ स्केली, स्केल कहते हैं ना कि ग्रोइंग रीजन में छोटी छोटी लीफ पाई जाती रहती हैं जो स्केल, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे देखें
इस रीजन की तरफ, तो ये आपका है स्केली लीफ, 21 सीटम्स के अंदर पाई जाती है। यहाँ पे जो ये आपका ग्रोइंग रीजन है, जो वहाँ पे छोटी छोटी स्केल लाइक लीफ पाई जाती हैं, बेसिकली अगर आप देखें यहाँ पे इस रीजन में आप देखो तो ये स्केल लाइफ लीफ पाई जाती है छोटी छोटी स्केली लीफ, 21 सीटम के अंदर, 21 सीटम के अंदर ये दिखती है हमको, है यस। और स्मॉल सेसाइल लीफ को होती है वो लाइकोपोडियम के अंदर, सेलेजनेला के अंदर। इस लीफ में क्या होता है, बेसिकली आप पेटियोल नहीं देखोगे, ये सेसाइल होती हैं, इनके पास नीचे क्या होगा, पेटियोल लाइक स्ट्रक्चर नहीं हमको देखती रहती है। और इस तरह के लीफ हमको सिलेजनेला और लाइकोन, स्केली लीफ का मतलब क्या होता है कि जो ग्रोइंग रीजन है वहीं से निकल रही है इसकी लाइक स्ट्रक्चर है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ये दूसरा आपका सेसाइल लीफ कहाँ को मिल रहा है, ये लाइकोपोडियम मिल रहा है। पेटियोलेट लीफ जो मिलती है, अब आप अगर देखें लार्ज कंपाउंड लीफ कहाँ मिलती है आपको, है लार्ज और पेटियोलेट कंपाउंड लीफ मिलती है, वो कहाँ मिलती है, फर्न के अंदर मिलती है, एडवांस। एक एक करके अगर हम देख लेते हैं, अगर हम लीफ की बात करें, इसको देखिए, अगर आप इस डायग्राम को देखिए, स्केली लीफ आपको समझ में आएगा ये किसका डायग्राम है, ये दैट इज द इक्विसीटम आपका है, इक्विसीटम्स आपका प्लांट है। और इस प्लांट में आप देखो ये जो लीफ आपको दिख रही है, यहां पे देखिए ये लीफ स्केली लीफ जो ग्रोइंग रीजन पे छोटी छोटी पार्ट में पाए जाते हैं स्केली लीफ। यहाँ जो स्टेम होता है, बेसिकली जो स्टेम होता है वो डिवाइड होता है नोड आउट इंटर नोड में बटा होता है, इंटर नोड में होता है स्टेम, नोड एंड इंटर नोड में बटा होता है, ठीक है। और लीफ कैसी होती है, स्केली होती है, छोटी छोटी पाई जाती हैं जो ग्रोइंग रीजन के पास में पाई जा रही हैं। आप देख रहे हो दो इंटर नोड के ऊपर पाई जा रहे हैं जो ग्रोइंग रीजन है, वहां पे स्केली लीफ पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बोला कि ये स्ट्रोबिलस है, दिस इज अ स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट, जैसे कहते हैं ना स्पोरेंजिया क्लस्टर में हो जाती हैं और कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, यहाँ पे क्या होती हैं, स्पोरेंजिया क्लस्टर के अंदर फॉर्म कोन आर स्ट्रोबिलस इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती हैं, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्पोरेंजिया क्लस्टर में हो जाता है और कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, स्ट्रोबिलस का निर्माण करता है, ये तीन पार्ट होता है। तो इस तरह से इक्विसिटम में आपने देखा कि लीफ कैसी होती है, स्टराइल स्ट्राइल लीफ होती है। वैसे ही अगर आप देखोगे ये आपका है लाइकोपोडियम, आप देखें ये आपका प्लांट आपका है लाइकोपोडियम, जहां पे ये देखिए लीफ होती हैं माइक्रोफिलस लीफ पाई जाती हैं, माइक्रोफिलस लीफ पाई जाती हैं, दिस आर द सिंपल लीफ, ये सिंपल लीफ होती हैं, सिंपल लीफ पाई जाती हैं, माइक्रोफिलस होती हैं जिनमें क्या होता है स्मॉल होती हैं और इनमें पेटियोल का अभाव दिख रहा है। ये देखिए ग्रोइंग रीजन से जुड़ी हुई हैं। और ये देखिए ये लीफ आपकी है, दैट इज अ माइक्रोफिलस, माइक्रो मीन्स क्या होता है स्मॉल, फिलस मीन्स क्या होता है लीफ होता है। तो छोटी छोटी जो लीफ पाई जाती हैं लाइकोपोडियम जैसे माइक्रोफिलस लीफ पाई जाती है, ओके ये आपका लाइकोपोडियम। और ये क्या आपका होता है, ये रिप्रोडक्टिव लीफ इसे कहते हैं, रिप्रोडक्टिव लीफ या कह सकते हो स्ट्रोबिलस पाया जाता है, जहां पे क्या होता है स्पोरेंजिया क्लस्टर में जो अरेंज हो जाती हैं उसे स्ट्रोबिलस या कोन कहा जाता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो बनके तैयार हो रही है, ये जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनके तैयार हो रही है स्ट्रोबिलस होता है। इसी तरह अगर आप देखोगे इट इज द सिलाजिनेला,
ये क्या आपका प्लांट है, सिलेज नीले आली फुती है। ये आप देख सकते हैं सिलेज नीला आपका है, सिलेज नीला। सिलेज नीला के पास भी कैसी लीफ पाई जाती है, माइक्रोफिलस लीफ, माइक्रोफिलस लीफ पाई जाती रहती है। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि जो माइक्रोफिलस लीफ है, छोटी छोटी लीफ पाई जाती है सिलेज नीला। मैं इसको क्यों दिखाता हूं आपको, इसलिए दिखाता हूं कि आपको याद हो जाए कि सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम, इनके नीचे इनके पास क्या होती है, माइक्रोफिलस लीफ होती है। माइक्रोफिलस का मतलब माइक्रो मीन्स स्मॉल होता है, फिलस मीन्स क्या होता है लीफ। जिनके पास छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती हैं उन्हें माइक्रोफिलस लीफ कहते हैं। इसके बाद हमको जानने की जरूरत है कि ये जो आपका है फर्न है, एक फर्न है जिसके पास मेगाफिलस लीफ पाई जाती है, मेगाफिलस लीफ पाई जाती है। और ये जो लीफ होती हैं मेगाफिलस होती हैं और कंपाउंड लीफ होती हैं, कंपाउंड लीफ पाई जाती है, पिन्नेट लीफ होती हैं, कंपाउंड पिन्नेट लीफ पाई जाती रहती है। जहां मिलती हैं फर्न के पास, देखिए ये आपकी लीफ। इस तरह से आप देखोगे फर्न के अंदर तीन तरह की, मैंने कहा मेगाफिलस जो लार्जर साइज की लीफ होती हैं, जो लार्जर लीफ होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, लार्जर लीफ होती हैं। जो बड़ी साइज की लीफ होती हैं उन्हें कहते हैं मेगाफिलस लीफ होती हैं। ओके, तो आपने इस तरह से देखा कि ये देखिए इस लीफ को देखिए, एक फर्न की लीफ है, ये मेगाफिलस लीफ है, That is a megaphyllous leaf है। ये कैसे लीफ आपकी है, मेगाफिलस लीफ है, ये आपकी मेगाफिलस लीफ आपकी है, लीफ होती है। इस तरह से देखो ये फर्न की लीफ आपको मिलती है। तो अब हमारे सामने तीन तरह का टर्म आ गया बेसिकली देखा जाए। अब देखो मैं कहना क्या चाहता हूं, देखेंगे हम लोग इसका मतलब। अगर हम लीफ की बात करें तो लीफ बेसिकली क्या हो गई हमारी, स्मॉल स्केली लीफ। स्मॉल स्केली लीफ हमको कहाँ मिलती है बेसिकली, अगर हम देखें तो ये कहाँ मिल रही है हमको, इक्विसिटम के अंदर, माइक्रोफिलस लीफ, मतलब क्या हो गया स्मॉल लीफ। स्मॉल लीफ जो हमको मिलती है लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इन सब के अंदर मिलती है हमको माइक्रोफिलस स्मॉल लीफ। तीसरा हमको मिलती है माइक्रो सिंपल लीफ, इसको एक नाम और भी दिया जाता है सिंपल लीफ, लीफ। तीसरा हमको मिलती है कंपाउंड मेगाफिलस लीफ, मेगाफिलस लीफ। जो मेगाफिलस लीफ होती है वो बेसिकली क्या होती है, लार्जर साइज होती है, लार्जर साइज होती है, पिन्नेट होती है। ये कहाँ मिलती है आपको, है फर्न के अंदर, फर्न मिलती रहती है। ओके, बिल्कुल मेगाफिलस लीफ, संगम जी मैं बोल रहा हूँ कि लार्जर साइज की जो लीफ होती है मेगाफिलस लीफ होती है, कंपाउंड लीफ होती है, कंपाउंड लीफ होती है, कंपाउंड लीफ होती है। चौथा कंपाउंड लीफ सिंपल लीफ का अंतर पहले समझिए। सिंपल लीफ क्या होती है, जिसके अंदर एक लीफ होती है, एक मिडरिप होती है और उसपे जो इंसिजन होते हैं वो कंप्लीट नहीं होता। अभी मैं दिखाता हूँ सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ का डिफरेंस बताना जरूरी है आपको है। और एक मैंने आपको लीफ क्या बताया, एक होती है आपको, एक टर्म आपको जानना है
रिप्रोडक्टिव लीफ, रिप्रोडक्टिव लीफ दैट इज अ स्पोरोफिल, स्पोरोफिल, स्पोर एंड स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ। स्पोर और स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ जो होती है उसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव लीफ या कहते हैं स्पोरोफिल, स्पोरोफिल। तो ये टर्मों को आपको जान लेने की जरूरत है, स्पोरोफिल का मतलब क्या होता है, स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ होती है। तो इतने टर्म आपको टेरिडोफाइट के लीफ में जानना आपको होता है। जरा सा देखेंगे हम एक एक करके। देखो तो आपने देखा क्या, आपने ये देख लिया बेसिकली ये डिवीजन किन किन पे होता है, माइक्रोफिलस लीफ, मेगाफिलस लीफ। और ध्यान रखिएगा अब हम आपको दिखाना चाहेंगे, यस यहाँ पे देखो दो तरह की लीफ मैंने दिखाई है, एक सिंपल लीफ दिखाई है और दूसरा आपके सामने कंपाउंड लीफ दिखाई है। थोड़ा सा हम डिफरेंस को समझ लेंगे तो बहुत आसानी से हमको समझ में आएगा ये टेरिडोफाइट्स। जैसे हम देखें अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये जो लीफ मैंने आपको दिखाया है, ये लीफ जो मैंने दिखाया है, एक लीफ आपकी है ये सिंपल लीफ होती है, लीफ होती है। और इधर जो मैंने आपको दिखाया है दैट इज अ कंपाउंड लीफ दिखाया है, कंपाउंड लीफ दिखाया हुआ है। ठीक, तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ में क्या अंतर होता है। अगर हम बात करें, अगर हम बात करें तो हम देखते क्या है कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो हमको समझ में आएगा कि एक जो सिंपल लीफ होती है, सिंपल लीफ जो आपकी होती है, एक सिंपल लीफ की अगर मैं बात करूं तो सिंपल लीफ में क्या होता है, एक ये सिंपल लीफ है, कोई भी अगर आप लीफ दिखते हो सिंपल लीफ होती है, जिसके पास क्या होती है ये जो मार्जिन आपकी होती है, देखो ये जो मार्जिन आपकी है अगर ये कंप्लीट है, अगर मैं बात करूं तो इस लीफ में क्या होता है, एक आपका पेटियोल होता है और ये वाला पार्ट क्या होता है इसका मिडरिब होता है, कोई भी लीफ देखोगे। और ये क्या होता है, इसे कहते हैं वेंस। और ये आपका जो होता है अगर मैं बात करूं इसको तो ये सिरेट मार्जिन, कटी मार्जिन पाई जाती है, एक लीफ की बात आती है। अब देखिए एक सिंपल लीफ के बाद में, और मैं बोलता हूं कि ये क्या होता है इसका लीफ लैमिना, ये आप कह सकते हो लीफ लैमिना पाया जाता है, जैसे कि आप ये देख रहे हो। तो ये जो लीफ आप देख रहे हैं, ये आपको सामने लीफ दिख रही है ऊपर वाली, एक सिंपल लीफ। लेकिन एक कम सिंपल लीफ कैसे कंपाउंड लीफ बन जाती है या सिंपल लीफ होती है जो नेचर में बनी होती है, अगर कंपाउंड लीफ से इसको डिफरेंशिएट करना हो तो कैसे आप समझेंगे, आप देखिए। और ये अगर मैं इसी लीफ को, इसी लीफ को अगर आप देखो इस लीफ के अंदर मैं परिवर्तन कर दूं, परिवर्तन कैसे कर दूं, थोड़ा सा आप अगर देखिए एक सिंपल लीफ के पास में, एक सिंपल लीफ के पास में और ये आपकी मिडरिफ है, दिस इज अ सिंपल लीफ। अगर इस सिंपल लीफ पे ये जो आपकी सररेट मार्जिन है, ये सररेट मार्जिन है, अगर यहां पे ऐसा हो जाए कि ये लीफ यहां से, ये यहां से यहां तक कट जाए एक पार्ट में, ऐसा हो जाए ये लीफ यहां से इस तरह से मार्जिन हो जाए, इसका मतलब क्या है, ये बताता है कि अगर इस मिडरिप, ये जो मिडरिप है आपका, ये जो इंसिजन है इसे कहते हैं
इनसीजन मतलब जो सेरेट मार्जिन है वो कट करके कहां पहुंच जाए, मिड रिब तक पहुंच जाए। आप सिंपल सा देख सकते हो इनसीजन, देखो यहां पे, देखो यहां पे समझने वाली बात है, अगर ये जो सिंपल लीफ है, मैं बोल रहा हूं कि रीच अप टू मिड रिब, अगर उसकी इंसिजन जो कटान है या इंसिजन कहते हैं, जैसे मैंने बोला कि ये लीफ था, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप बहुत इजीली समझ जाएंगे इन बातों को। अगर आप देखिए, मैं बोल रहा हूँ ये लीफ आपका है और ये मिड रिब है, और ये लीफ जो था, ये लीफ था, और हमने बोला ये इसकी क्या है, वेंस है, और ये लीफ धीरे धीरे क्या कर रही है, एक पार्ट में कट जा रही है। ये जो आपका इंसीजन है ना, कहते जो कटान होता है वो, जो वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो मान लीजिए मैं बोल रहा हूं यहां तक था, यहां तक था, तो ये जो कटान है वो कंप्लीट हो जाए। देखो इसका मतलब जो इंसीजन आपका वो कंप्लीट पहुंच जाए, ये जो आपका इंसीजन बना हुआ है ये कंप्लीट पहुंच जाए, मतलब एक लीफ से कई सारे छोटे छोटे लीफ की तरह स्ट्रक्चर बनने लगे। तो जब इंसिजन, इसे क्या कहते हैं, इंसिजन, ये जो सेरेट मार्जिन है, सेरेट मार्जिन आपकी है, अगर ये इंसिजन जो कटान है वो कहाँ पहुंच जाए, मिड रिब तक, तो ये देखिए छोटा छोटा जो आपका बन के तैयार हो रहा है। अगर मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कि ये कटाव जो आपका है, ये जो आपका यहाँ पे ये लीफ का जो कटाव है, ये धीरे धीरे यहाँ तक आ जाए, यहाँ से यहाँ तक चला, तो ये धीरे धीरे क्या है, जो लीफ था वो किसमें कन्वर्ट हो गई, लीफ लेट के अंदर, छोटी छोटी लीफ लेट बदल गई। अब मैं एक को क्या कहूंगा, लीफ लेट कहूंगा। इंसिजन याद रखिएगा, सिंपल लीफ की पहचान, देखो ये क्या हो गया, अब धीरे धीरे जो था ये कंपाउंड लीफ हो गई, कंपाउंड लीफ हो गई। अगर जिस लीफ के अंदर लीफ मार्जिन में कटाव कम रहेगा, कटाव कम रहेगा, जो जिसके अंदर कटाव है मिडरिप तक पहुंच जाए, और सेरेट मार्जिन कहाँ तक पहुंच जाए, मिडरिप तक पहुंच जाए, इंसिजन कटाव वो कहाँ पहुंच जाए, मिडरिप तक पहुंच जाए, तो वहां पे जो लीफ था, लीफ बेस था, वो या कहते हैं लीफ लैमिना था, वो कन्वर्ट हो गया छोटे छोटे लीफ लेट के अंदर, और तब इसका नाम क्या हो जाएगा, कंपाउंड लीफ होता है। और सिंपल लीफ में क्या होता है, जस्ट अगर आप देखो, अगर मैं सिंपल लीफ की बात करूं, सिंपल लीफ की बात करूं, तो आप देख सकते हो ये मैं आपको सिंपल लीफ बना रहा हूं, ये आपको मैं बना रहा हूं सिंपल लीफ, सिंपल लीफ, दिस इज अ सिंपल लीफ। यहां पे देखिए ये सिंपल लीफ है, इसका मतलब जो यहां पे इंसीजन है, इंसीजन, इंसीजन का मतलब क्या, लीफ के अंदर जो कटाव है वो कहां, वो मिड तक नहीं पहुंच रहा है, डू नॉट रीच अप टू मिड रिब तक। अगर ये जो ये कटाव है, ये देखिए ये कटान जो आपका मिड रिब तक नहीं पहुंच रहा है, तो ये क्या है, इंसिजन डू नॉट रीच अप टू द मिड रिब होता है, जो ये क्या पोर्शन होता है, ये क्या होता है, मिड रिब होता है, मिड रिब होता है, इसे क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, सिरेट मार्जिन, और इसको पूरा नाम देते हैं लीफ लैमिना। तो आपने देखा कि एक सिंपल लीफ एक कंपाउंड लीफ में क्या अंतर है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ में क्या अंतर है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये इंसीजन जो होता है मिड रिब तक नहीं पहुंचता है, उसे कहते हैं सिंपल लीफ।
जिसमें कटाव एकदम मिड्रिप तक पहुंचे और एक लीफ में कई सारे लीफ हमको दिखने लगे, एक लीफ के अंदर कई सारे लीफ दिखने लगे, तो समझ लेना कि वो क्या है आपका, कंपाउंड लीफ होती है। वहां पे लीफ लैमिना जो होती है, जो लीफ लैमिना होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, छोटे छोटे क्या होती है, लीफलेट में। ये सारे के सारे छोटे छोटे पार्ट में क्या हो गया, ये क्या हो गया, लीफलेट हो गए। तो कंपाउंड लीफ के अंदर, एक लीफ के अंदर छोटी छोटी कई सारी लीफ दिखने लगती है, वो क्या होती है, लीफलेट के रूप में होती है, उसे कहते हैं कंपाउंड लीफ, जिसमें कटाव या सेरेट मार्जिन जो होती है वो मिड्रिप तक नहीं जाती है। मेरी बात पूरी आपको समझ में आई कि नहीं, देखो मैंने आपको क्या बताया, अभी हम बात कर रहे थे, देखो मैं बात कर रहा था आपसे, यहाँ पे देखो ये सिंपल लीफ आपका है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये सारे के सारे जो आपके कटाव दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं ना, ये क्या है, सिरेट मार्जिन, मार्जिन जो सिरेट मार्जिन आपकी है, ये जो सिरेट मार्जिन आपको दिख रही है, अगर मैं बात करूं तो ये देखो सिरेट मार्जिन क्या हो रही है, ये क्या सेंटर वाला पार्ट है, ये क्या होता है, मिडरिप होता है, मिडरिप होता है, मिडरिप होता है, ओके। और इसे क्या कहते हैं, देखिए अगर मैं बोल रहा हूं, अगर इसी को कंपाउंड लीफ में देखो क्या होता है, यहां पे देखो, ये देखो, ये भी देखो सिंपल लीफ है, ये सिंपल लीफ देखो, ये कटाव यहां तक है, लेकिन जब कटाव यहां तक आ गया, अब देखिए जरा कहां तक पहुंच गया, मिड्रिप तक कटाव पहुंच गया, एक एक बन के हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कंपाउंड लीफ, कंपाउंड लीफ हो गया। कंपाउंड लीफ में क्या होता है, क्योंकि एक एक इंसिजन मिड्रिप तक पहुंच जाता है, मिड्रिप तक पहुंच जाता है, मिड्रिप तक, देखो यहां पे लिखा हुआ है, इंसिजन डू नॉट रीच अप टू द मिड्रिप, नॉट रीच अप टू द मिड्रिप, अगर ये कटाव यहां तक अभी नहीं आया, यहां तक अभी नहीं आया है, यहां तक का कटाव नहीं हो गया, अगर ये कटाव यहां तक आ जाए, पूरा कंप्लीट हो जाए, इंसिजन पूरा कंप्लीट हो जाए, तो समझ लीजिए वो क्या हो गई, कंपाउंड लीफ। तो कंपाउंड लीफ पौधों को एक क्लासिफिकेशन इस आधार पे भी दिया गया है, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। तो ये देखो आपका जब कंपाउंड लीफ होता है, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि ये लीफलेट बन जाता है, एक एक करके क्या हो गया, ये सब क्या हो गए, लीफलेट हो गए, और बीच वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, रैकिस कहते हैं, रैकिस कहने लगे, रैकिस कहने। तो ये आपकी सिंपल लीफ हो गई, ये देखो आपकी सिंपल लीफ हो गई, और मैं अब अगर बता दूं यहां पे, और ये जो आपका बन के तैयार हुआ, अगर इस तरह से लीफ और एक एक बनती चली जा रही हैं, एक एक लीफ बनती चली जा रही हैं, एक एक लीफ बनती चली जा रही हैं, ये तो ये क्या हो गया, कंपाउंड लीफ हो गया, लीफ हो गया। तो कंपाउंड लीफ में क्या होता है, ये जो लीफलेट हो गए, लीफलेट्स, तो याद रखिएगा सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ का डिफरेंस। याद इतनी सी रखना है, इंसिजन, इंसिजन जो कटाव होता है, जो मार्जिन होती है वो मिडरिप तक पहुंच जाए, एक कंप्लीट लीफ को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसे हमने कहा लीफलेट होता है, लीफलेट होता है। अगर मैं बात करूं, सिंपल लीफ भी दो तरह की होती है, अगर हम बात करें सिंपल कंपाउंड लीफ, कंपाउंड सॉरी कंपाउंड लीफ भी दो तरह की होती है, एक होती है पिनेट लीफ, और दूसरा होती है पाल्मेटली कंपाउंड लीफ होती है, यानी पिनेट कंपाउंड, कंपाउंड लीफ दो तरह की होती है, पिनेट और पाल्मेट, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ होती है, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ होती है। अब अगर आप देखोगे तो आपने इधर देख लिया, ये एक सिंपल लीफ है आपका, सिंपल लीफ, और ये वाली क्या हो गई, कंपाउंड लीफ। आपको मैंने बताया, अगर आप ध्यान से देखें तो इसको पिनेट लीफ में की क्या पहचान है, जैसे अगर आप देखें
तो ये क्या होती है, पिन्नेट लीफ जो कंपाउंड लीफ होती है उसमें देखो एक बना हुआ है, एक इधर से बना हुआ है, ये इस तरह से देखिए, ये क्या है लीफ लेट आपके हैं दोनों तरफ, ये क्या है इसे कहते हैं, लिखेंगे आप देखो यहां पे, यहां पे देखेंगे आप अगर आप ध्यान से देखें, यहां पे देखिए, तो ये जो आपकी लीफ बन के तैयार रही है इस तरह से, ये जो डिवाइड हो रही है इस तरह से, इस तरह की लीफ अगर आपको दिखेगी तो इसे कहेंगे हम पिन्नेट लीफ। और पिन्नेट लीफ क्या होता है, इसे क्या कहते हैं लीफलेट, और ये बीच में क्या आपकी है रैकिस। देखो पिन्नेट लीफ इस तरह की लीफ मिलेगी तो हमें इसे क्या कहेंगे पिन्नेट लीफ कहेंगे। और पॉम जैसे कहते हैं हमारा हैंड्स होता है, हैंड्स पे देखिए यहां पे अगर हम बात करें एक पेटियोल आपका जो होता है इसी पे अरेंज ऐसे लीफ अगर हो जाए, इस तरह के लीफ अरेंज हो जाए, जैसे हमारे पॉम के ऊपर हमारे हाथ के ऊपर ये पांच फिंगर लगी हुई हैं, जैसे हमारे हाथ के ऊपर पांच फिंगर लगी हुई हैं, अगर एक एक पॉम से पांच लीफ पांच उंगलियां निकली हुई हैं, वैसे अगर लीफ आपको दिखे तो उसे कहते हैं पॉलमेटली लीफ। पॉलमेटली लीफ देखो पॉलमेटली कंपाउंड लीफ होता है, एक सिंगल आपका ये जो होता है पेटियोल आपका है और इस पोटियोल से क्या लगी है लीफलेट लगी हुई है, लीफलेट्स लगी हुई है। इसका मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको आप समझ सकते हैं कि एक जो सिंपल लीफ आपकी होती है बेसिकली क्या होती है, दिस इज अ सिंपल लीफ, या ये लीफ भी आपकी सिंपल है। देखो अगर मैं ऐसे ऐसे ऐसी ऐसी भी लीफ बना दूं, ये क्या है सिंपल लीफ है, ये आपकी सिंपल लीफ है, सिंपल लीफ है। क्यों सिंपल लीफ है आपका, इसे कहते हैं लीफ लैमिना, इसको कहते हैं इस पॉइंट को कहते हैं मिडरिब, और ये क्या होती हैं वेन्स होती हैं, वेन्स होती हैं, सिंपल लीफ होती है। यहाँ पे जो आपका ये कटाव आपका है, या मैं बोलूँ ये जो आपकी सिरेट मार्जिन आपकी है, या मैं बोलूँ इंसीजन है, या कटाव जो आपका होता है इंसीजन जो आपका है, डू नॉट रीच अप टू मिडरिब। मिडरिब इसे क्या कहते हैं, इस रीजन को, इस रीजन को क्या कहते हैं मिडरिब, जो कटाव है वो मिडरिब तक नहीं पहुंच रहा है। देखो दूसरे वाले में क्या है, यहां तक आया है कटाव, ये क्या है यहां तक आया, यहां तक आया हुआ, लेकिन ये कहां तक अभी नहीं पहुंचा है, अभी ये यहां तक नहीं पहुंचा है। जिस समय अब मैं एक ऐसी लीफ बना रहा हूं, इधर आप देखिए ये क्या हो गया सिंपल लीफ, ये सिंपल लीफ की ये परिभाषा है, याद रखिएगा सेरेट मार्जिन या ये आपकी सिंपल लीफ आपकी होगी। अगर मैं बात करूं कंपाउंड लीफ में क्या होता है, देखो अब यहां पे लीफ कहां तक जा रही है, देखो अगर मैं बात कर रहा हूं लीफ कहां तक जा रही है, ये देखिए ये देखिए ये क्या है, एक लीफ में कई सारे पार्ट बन गए, ये आपका क्या हो गया, अब इसको मैं बोलूंगा रैकिस, और ये जो आपकी जो इधर से बनी हुई थी इस तरह से अगर आप देखोगे लीफ के अंदर, तो ये क्या हो गया एक एक करके इसको एक लीफ के अंदर ये क्या हो गया लीफ लेट्स हो गए। और यहां पे ये जो मेन पॉइंट आपकी है
इसका नाम बदल गया है, अब इसको क्या बोलेंगे, रैकिस बोलेंगे। यहाँ पे इसको क्या बोलते थे, यहाँ मेड्रिप बोलते थे, सिंपल लिखो उसको नाम था मेड्रिप था। लेकिन लेकिन जो आपकी यहाँ पे कंपाउंड लिप में क्या होता है, इंसीजन और सिरेट मार्जिन रीच अप टू मिडरिब। देखो ये देखो कटाव कहाँ तक चला गया है, मिडरिब तक चला गया। ये यहाँ तक आ गया कि नहीं, एक कटाव यहाँ से यहाँ तक आ गया कि नहीं, एक आ गया कि नहीं, ये देखिए ये कहाँ तक आ गया, मिडरिब तक आ गया। यानी सब अलग-अलग क्या है, लीफ बना दिया, जिन्हें मैं क्या नाम दे रहा हूँ, लीफलेट दे रहा हूँ। तो सिंपल लीफ कहाँ आपको मिल रही है, सिंपल लीफ मिल रही है, देखो याद रखना, सिंपल लीफ आपको कहाँ मिल रही है। अगर हम बात करें सिंपल लीफ की बात करें तो हमको सिंपल लीफ कहाँ दिखती है, लाइकोपोडियम, जहां पे सिलेजिनेला, ये सब इनमें कैसी होती है, माइक्रोफिलस होती है, जो सिंपल लीफ होती है। लेकिन जो कंपाउंड लीफ होती है, जो कंपाउंड लीफ होती है, ये कौन सी लीफ है, ये है कंपाउंड लीफ होती है। तो कंपाउंड लीफ कहाँ मिलती है, फर्न के अंदर होती है। ये बात हमने आपको समझाया। अगर हम कंपाउंड लीफ की बात करें तो बेसिकली कंपाउंड लीफ हमने बताया, कंपाउंड लीफ दो तरह की होती है, कंपाउंड लीफ जो होती है ये भी क्या होती है, टू तरह की होती है। एक होती है पिन्नेट लीफ होती है, और दूसरा होती है पाल्मेटली कंपाउंड लीफ होती है, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ होती है। अगर हम बात करें तो ये पिन्नेट कंपाउंड लीफ का क्या होता है, देखो ये ऐसे होती है, ये आपका पेटियोल होता है, ये क्या होता है, लीफलेट होता है, और ये आपकी ये जो बीच वाली पॉइंट होती है जिसे हम कहते हैं रैकिस कहते हैं, ठीक। और जो कंपाउंड लीफ होती है इसके चारों तरफ आप देखो इस तरह की, सिंगल पेटियोल जो होता है यहाँ पे ये लीफलेट होता है, लीफलेट होता है। यानी हमारे हैंड के पॉम की तरह, जैसे मैं आपका हाथ दिखा रहा हूँ ना, पॉल्मेटली, ये पॉल्म आपका होता है हमारा हथेली का, इसके ऊपर पांच फिंगर लगी होती है, वैसे देखिए सिंगल पेटियोल पे कई सारी हमारी लीफ लगी हुई है इस तरह से, इस तरह से। ये क्या है आपका, कंपाउंड लीफ की तरह का होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से देख रहे हो, ये कहाँ ऐसे आपको कहाँ मिलता है, इस तरह का जो पिन्नेट लीफ मिलता है ये हमको मिलता है फर्न के अंदर मिलता रहता है। ओके, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पढ़ाना है। देखो ये आपका हो गया पिन्नेट और आपका लीफ के दोनों तरीके हो गए। अब हम बात करेंगे, इस तरह से आपने देखा कि लीफ में अगर अब हम बात करें लीफ, तो माइक्रोफिलस लीफ का मतलब क्या होता है, दैट इज अ सिंपल लीफ, ये सिंपल लीफ होती है, सिंपल लीफ याद रखिएगा, सिंपल लीफ होती है विद सिंगल वेंस एंड नो लीफ गैप, याद रखिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट, सिंपल लीफ। जैसे आपको कहाँ मिल रहा है, लाइकोपोडियम के अंदर, लीफ गैप का फॉर्मेशन नहीं होता है। लाइकोपोडियम मैंने बोला सिलेजिनेला इनके अंदर। माइक्रोफिलस लीफ क्या होती है, माइक्रोफिलस क्या होती है, लार्ज, अब याद रखिएगा पिन्नेट, याद रखिएगा पिन्नेट लीव्स दैट इज अ कंपाउंड लीफ होती है, कंपाउंड
तो आपको समझ में आ गया होगा सिंपल और कंपाउंड का डिफरेंस क्या होता है। कंपाउंड लीफ होती है और हैविंग द कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ द वेन्स दे फॉर्म द प्रोमिनेंट लीफ गैप, लीफ गैप का निर्माण करती रहती हैं। कहाँ पे पाई जाती हैं? ये बेसिकली पाई जाती हैं फर्न के अंदर, फर्न के अंदर पाई जाती हैं। यहाँ पे लिखा गया है प्रोमिनेंट लीफ गैप इन द स्टेम पाई जाती रहती हैं। अब आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यस, एक जो लीफ होती है, अगर मैं ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे कुछ चीजें और हमको जानने की जरूरत होती है। ये देखिए, ये जो लीफ आपकी है कंपाउंड लीफ है, कंपाउंड लीफ होती है। अगर मैं आपको बात करूं तो जरा सा हमको जान लेने की जरूरत है। ये देखिए, इस लीफ को देखें आप, ये आपकी एक कंपाउंड लीफ है, कंपाउंड लीफ ऑफ फर्न है। फर्न की एक कंपाउंड लीफ है जो कैसी है, पिन्नेट है, मैंने बोला ना। अब इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं, देखो ये जो आपकी, ये जो सेंटर पॉइंट आपकी जो आ रही है, जिसपे मैं लाइन खींच रहा हूँ, ये सेंटर पॉइंट, जो सेंटर पॉइंट होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, बेसिकली देखा जाए तो इसे बोलते हैं रैकिस, ये रैकिस। और ये साइड साइड की जो ब्रांच होती हैं, इन्हें मैं बोलता हूँ लीफलेट्स, लीफलेट्स बोलता हूँ। सिंपल, ये कैसी है, पिन्नेट लीफ होती है, याद रखिएगा कि पिन्नेट लीफ होती है। पिन्नेट लीफ, पिन्नेट लीफ होती है, सिंपल पिन्नेट होती है। इस लीफ के अगर हम पार्ट की बात करें, पार्ट की बात करें, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो लीफ में, इसकी लीफ की अगर मैं बात करूं, तो यहां से देखिए, ये लीफ का यहां से यहां तक का पार्ट जो होता है, यानी इस पूरे पार्ट को अगर हम बात करें, जैसे आप देख सकते हो इस लीफ के अंदर, देखिए यहाँ से इस पार्ट से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट होता है, ये पूरा का पूरा, उसको एक नाम दिया गया था, क्या होता है, फ्रंट होता है। ये कैसी लीफ आपकी है, ध्यान रखिएगा, कंपाउंड लीफ होती है। कंपाउंड लीफ में एक पूरा कंप्लीट होता है, इसमें क्या ही आता है, ये इसका कौन सा पार्ट होता है, पेटियोल, यानी फ्रंट के अंदर पेटियोल से लेकर के जो पूरी लीफ वाला पार्ट होता है उसको क्या कहेंगे, फ्रंट कहेंगे। अब देखो इसको, इस फ्रंट में क्या हो गया, दो पार्ट हो गए, एक आपका हो गया पेटियोल और दूसरा पार्ट क्या हो गया आपका, इसे कहते हैं ब्लेड। देखो अब इतने पार्ट को हम ब्लेड कहते हैं, इस लीफ के इस पार्ट को क्या कहेंगे, ब्लेड कहेंगे, और इस पार्ट को क्या कहेंगे, पेटियोल कहेंगे। एक फ्रंट क्या होता है, दो पार्ट में बटा हुआ, ब्लेड और पेटियोल कहता होता है। याद रखिएगा ये किसकी लीफ आपकी है, याद रखिएगा ये फर्न की लीफ है, फर्न की लीफ आपकी है। एक फर्न की लीफ जो होती है बेसिकली क्या होती है, ब्लेड और पेटियोल में बटी होती है। इसका मतलब हमारे पास आ गया कि दो बातें हमको ध्यान रखने की जरूरत है, कभी भी नामों से परिचित रहना चाहिए, कि अगर हम फर्न लीफ की बात करें, लीफ की बात करें, तो कैसी होती है, कंपाउंड लीफ होती है, कंपाउंड लीफ होती है, और कैसी होती है, पिन्नेट होती है, लीफ होती है, पिन्नेट होती है, कंपाउंड लीफ पिन्नेट होती है। और इसमें क्या होता है, फ्रंट जो होता है, अगर मैं बात करूँ, फ्रंट में दो पार्ट होता है, एक आपका होता है पेटियोल और दूसरा क्या होता है, ब्लेड होता है, ठीक है, ब्लेड आपका होता है। ये बात आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है, ठीक। और अब हम आगे देखेंगे, यस, आप यहां पे देखो, ये आपका पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया, जिसे कहते हैं फ्रंट कहते हैं, और ये क्या हो गया, ब्लेड, जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, दैट इज अ ब्लेड। और जब इसको भी हम जोड़ देते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं, इसका मतलब क्या, ब्लेड प्लस क्या हो गया, पेटियोल। अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो इसका नाम क्या हो गया, फ्रंट हो गया। ये क्या होगा, फर्न की, ये क्या है आपकी, फर्न, अगर मैं बात करूं तो ये फर्न
कंपाउंड लीफ होती है, फर्न की कंपाउंड लीफ पाई जाती रहती है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इस डायग्राम में देखिए दोस्त, आपने देखा कि यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल रहा हूँ। देखो आपने देखा क्या कि ये आपके बीच का पार्ट क्या है, रैकिस। रैकिस के दोनों तरफ जो क्या होते हैं, लीफ लेट्स पाए जाते रहते हैं, ठीक ना। अब यहाँ एक टर्म है फीटल हेड, याद रखना। ये जो ऐसी लीफ आपको दिख रही है ना, ऐसे क्वाइल, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, फीडल हेड। फीडल हेड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे क्या बोला मैंने, कहा लीफलेट। अब थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, ये पिन्ना टर्म जो किया गया फर्दर डिवीजन हो जाए। मैंने कहा कि देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर लीफ है, लीफ में एक बार डिवाइड किया तो उसे क्या कहेंगे, लीफलेट कहेंगे। लेकिन अगर इसमें जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये लीफ आपकी है, अगर ये लीफ ऐसे डिवाइड कर गई, इस तरह का डिवाइड करेगी, तो आप ऐसे जान जाओगे कि ये क्या आपका है, लीफलेट आपका है, लीफलेट्स का। अगर इसके अंदर फर्दर डिवीजन हो जाए, मैं एक ऐसा बना दूं कि एक लाइन ऐसे खींचू और इस पे भी बना दूं, ऐसे भी बना दूं, एक ऐसी लाइन खींच दूं, इसके ऊपर बना दूं, इसके ऊपर बना दूं, फर्दर ये डिवाइड करता चला जाए ऐसे से, तो अगर ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा, फर्दर डिवीजन बढ़ता जाएगा, तो उसको ही पिन्ना कहा जाता है। फर्दर डिवीजन है तो पिन्ने के रूप में आ जाता है। तो ये जो फर्दर डिवीजन होता रहता है, इसे कहते हैं पिन्ना। ओके, इस तरह से अब हमारे सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, जिसको हमको बताना है। यस, फीडल हेड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्सिनेट विनेशियंस टेरिडोफाइट की एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्न की पहचान है, कि किसी भी फर्न को अगर आप देखोगे ना, तो उसके लीफ में क्या होता है, फर्न की लीफ सर्सिनेट विनेशियंस को करती है। बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है, याद रखिएगा, फर्न लीफ सो द सर्सिनेट विनेशियंस। बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि फर्न के लीफ क्या होती है, सर्सिनेट विनेशियंस होती है, उनकी लीफ क्वाइल होती है। देखो एकदम, देखो क्वाइल दिख रही है ना, ये लीफ कैसी दिख रही है, क्वाइल होती है, जैसे रोल की तरह खुलती है, सर्सिनेट विनेशियंस ऐसे होती है, और बाद में क्या होती है, ओपन हो जाती है, इसे कहते हैं सर्सिनेट विनेशन। यंग लीफ जो होती है, इसकी जो सर्सिनेट विनेशन होता है, यंग लीफ क्या होती है, क्वाइल इनवर्ड होती है, अंदर की तरफ क्या होती है, मुड़ी हुई होती है। अभी आप देखोगे फिडल, इसको नाम दिया गया फिडल हेड। जैसे एक ये वायलिन है ना, जैसे आप देखो ये, यहां पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम, ये जो आपका घुमा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये आपको जो दिखा हुआ है ना, ये यंग सर्सिनेट लीफ है, या यंग क्वाइल सर्सिनेट लीफ आपकी होती है, ये वाला पोर्शन, यही लीफ आगे जा करके ओपन हो जाती है। किसका लीफ, आपका फर्न लीफ, लीफ होती है, बनता है। तो फर्न की एक और पहचान है सर्सिनेट विनेट, सर्सिनेट लीफ, उसकी लीफ जो छोटी, जब जब नया ग्रोइंग सीजन होता है, तो उसकी लीफ क्या होती है, अंदर की तरफ मुड़ी होती है, उसे कहते हैं सर्सिनेट विनेशन कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखने की जरूरत। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे देखो ये लीफ, अगर यहाँ पे अगर आप देखें, यस, ये वायलिन है, ये क्या है, वायलिन है, और इस वायलिन का ये जो ऊपर वाला ऐसे पोर्शन है ना, ये जो पैशन होता है, इसे कहते हैं फिडल। फिडल की तरह दिखता है फर्न की जो यंग लीफ होती है, बूढ़ा हुआ दिखता है, तो वैसा ही देखो हमको किसकी लीफ दिख रही है, ये जो लीफ दिख रही है फीडल हेड, फर्न
यंग सर्सिनेटली अगर आप देखें यंग सर्सिनेटली वाइल्ड लीफ होती है, जो टेडोफाइट की यंग लीफ होती है वो सर्सिनेटली क्वाइल होती है, इनवर्ड की तरफ अंदर की तरफ क्या होती है मुड़ी हुई होती है, क्वाइल होती है, क्वाइल लीफ होती है, कौन सी यंग ट्विन मैच्योर होती है। तो ये इसको कहते हैं फ्यूडल हेड, फ्यूडल हेड भी कहते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो सर्सिनेट विनेशन और ये फ्यूडल हेड जैसी दिख रही है। तो याद रखिएगा कि ये भी एक क्या है पहचान है, पहचान आपकी है। फर्न की लीफ क्या होती है सर्सिनेट विनेशन शो करती रहती है, सर्सिनेट विनेशन शो करती रहती है। चलो एक बार हमको रिप्लाई करो, यहाँ तक की बातें आप लोग को समझ में आई कि नहीं, आप लोग को ये बात समझ में आई कि नहीं, किसी को कोई डाउट्स, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? जैसे मैंने बोला अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया, देखो सर्सिनेट लीफ के बारे में बताया, ये देखो ये जो फ्यूडल हेड की तरह काम करती है, एक बार हमको रिप्लाई करो सभी लोग समझ में आई बात कि नहीं, सिंपल लीफ कंपाउंड लीफ का डिफरेंस बताया आपको, ये सारी बातें आपको हमने बताई। इसका मतलब हम लोगों ने बात कर लिया, देखो अभी तक मैंने लीफ की बात किया, अगर मैं बात करूं अभी तक मैंने आपसे बात किया लीफ के बारे में, तो लीफ के अंदर हमने आपसे बात कर लिया माइक्रोफिलस लीफ, लीफ बात कर लिया, मेगाफिलस लीफ की बात कर लिया, लीफ इसे कहते हैं सिंपल लीफ, और इसको हमने बोला कंपाउंड लीफ, और इसका एग्जाम्पल हमने बताया आपको फर्न, ओके, और इसका एग्जाम्पल आपको बता दिया हम आपको लाइकोपोडियम, सिलाजिनेला, इन सबका एग्जाम्पल दिया। तीसरा एक मैंने आपको बताया कि अगर रिप्रोडक्टिव लीफ भी कह सकते हो, रिप्रोडक्टिव लीफ जब प्लांट मैच्योर हो जाता है, जब प्लांट मैच्योर हो जाता है तो रिप्रोडक्टिव लीफ जिसे कहा जाता है स्पोरोफिल, स्पोरोफिल्स यानी लीफ बियरिंग स्पोर एंड स्पोरेंजिया, उसे कहते हैं स्पोर। जब इमैच्योर प्लांट होता है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जब प्लांट इमैच्योर होता है तो उसे कहते हैं, उसके पास दो तरह की लीफ पाई जाती है, या तो उसके पास माइक्रोफिलस लीफ होगी जैसा कि आप लाइकोपोडियम सिलेजिनेला के अंदर देखते हैं, जब इमैच्योर या फर्न होगा तो उसके पास क्या होगी मेगाफिलस लीफ होगी। लेकिन अगर आप देखोगे इसका मतलब ये सब क्या है, ये दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों आपकी हैं वेजिटेटिव लीफ हो गया, और ये वाला पोर्शन क्या हो गया रिप्रोडक्टिव फेज लीफ, यानी प्लांट जब मैच्योर हो जाएगा उसके पास जो लीफ रहती है वो कुछ लीफ होती है क्या होती है रिप्रोडक्टिव फेज की जो लीफ होती है जो स्पोरेंजिया को बियर करती है उन्हें कहते हैं रिप्रोडक्टिव लीफ या स्पोरोफिल कहते हैं। जब पौधा इमैच्योर होता है तो उसके पास या तो माइक्रोफिलस छोटी छोटी लीफ होती है सिंपल लीफ होती है, या उसके पास होती है मेगाफिलस लीफ होती है। इसका मतलब उसी में से, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि प्लांट की लाइफ साइकिल के अंदर जैसे आप देख सकते हो, मैं बोल रहा हूं ये देखो, यहां पे देखिए, यहां पे जब ये वेजिटेटिव फेज में होता है ये देखो, अब यहां पे आप बहुत इजीली इस बात को समझ सकते हैं कि जब ये प्लांट वेजिटेटिव फेज में है, देखो अब यहां पे
देखो यहाँ पे आपको समझना है कि ये इमैच्योर प्लांट होता है। ये इसकी क्या है, माइक्रोफिलस लीफ होता है। ये कौन सा प्लांट है, लाइकोपोडियम में बोल रहा हूं। जब प्लांट आपका इमैच्योर होता है, वेजिटेटिव फेज में होता है, तो उसके पास सिंपल लीफ या माइक्रो होता है। लेकिन जब ये फेज में कहां पहुंच जाता है, ये देखिए, ये जो आपकी जो रिप्रोडक्टिव, ये कौन सी लीफ होती है, स्पोरोफिल। जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर जो इस लीफ के अंदर क्या होता है, ये पूरा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो जाती है, जो क्या होता है, स्ट्रोबिलस होती है। इसे कहते हैं स्ट्रोबिलस। इसका मतलब जब प्लांट अपनी मैच्योर फेज में पहुंचेगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इमैच्योर पास सिंपल लीफ रहेगी, माइक्रोफिलस लीफ होगी। लेकिन जैसे प्लांट मैच्योर रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंचेगा, उस समय उसके पास जो लीफ होगी वो कौन सी होगी, स्पोर बियरिंग, स्पोरिंजिया, मैच्योर होगी, कोन के रूप में रखा रहेगा, तो उसे कहेंगे स्पोरोफिल। तो इसका मतलब हमारे सामने क्या बात आ गई, अगर हम बात करें जैसे यहाँ पे, ये जो आपका कोन बना है, स्ट्रोबिलस बना है, यहाँ पे जो आपका वन का फॉर्मेशन हो रहा है, स्ट्रोबिलस का फॉर्मेशन हो रहा है, ये मैच्योर फेज में हो रहा है, स्ट्रोबिलस का होता है। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया कि अगर हम बात करें तो लीफ हमारे पास बेसिकली दो ग्रुप होती है, मैच्योर प्लांट या कहते हैं वेजिटेटिव फेज जो होती है, इस समय जो लीफ बेसिकली क्या होती है, वो कौन होती है, माइक्रोफिलस या मेगाफिलस लीफ होती है। और जब प्लांट आपका रिप्रोडक्टिव फेज में होता है तो फ्यू लीफ स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं, स्पेशलाइज्ड टू फॉर्म स्पोरोफिल लीफ, स्पोरोफिल दैट इज स्पोर एंड स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ होता है, स्पोर और स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ होता है। आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी कि लीफ दो तरह की हो सकती है, माइक्रोफिलस मेगाफिलस। ये इमैच्योर है, वेजिटेटिव लीफ होती है, जो रिप्रोडक्टिव लीफ होती है वो बेसिकली क्या जाती है, स्पोरोफिल, वो स्पेशलाइज्ड कर जाती है, और वो क्या करती हैं, स्पोर को रखती हैं, स्पोरेंजिया को रखती हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं, स्पोरोफिल लीफ। अब मेरे को एक बार रिप्लाई करो सभी लोग, सतीश जी अभी हम लोग टेडोफाइटा पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म की बात ही नहीं कर रहे हैं, जो नीम मैंगो सब नाम बता रहे हो ना, वी विल कम लेटर, हम उस पर भी बात करेंगे। अभी सिर्फ अपना ध्यान लगाओ टेडोफाइटा के अंदर माइक्रोफिलस मेगाफिलस और आपको स्पोरोफिल टर्म का मतलब क्या होता है, इनकी मीनिंग क्या होती है, हम इसको समझ रहे हैं। ओके, तो अभी हमने आपको दिखाया, ये देखो माइक्रोफिलस लीफ आपकी है, ये कौन आपका है, एक लाइकोपोडियम है जो आपको माइक्रोफिलस लीफ दिखा रहा है, ये क्या आपकी है, दिस आर द, अगर आप देखोगे तो ये क्या आपका है, माइक्रोफिलस लीफ आपकी है, ये कौन सा प्लांट है, लाइकोपोडियम, ये लाइकोपोडियम आपका है, माइक्रोफिलस लीफ होती है, ये क्या आपका है, देखो ये जो लीफ आपकी है, ये लीफ आपकी अब यहां पे ध्यान रखने की बात होती है, ये जो लीफ आपकी है, ये लीफ जो है जो स्पोर एंड स्पोरेंजिया रखती है,
ये आपकी कौन सी लीफ हो गई? रिप्रोडक्टिव लीफ, लीफ स्पोरोफिलिसिक आ जाता है, जो स्पोरोफिल होती है। और ये जो लीफ आपकी है, ये सिंपल सी लीफ है, ये कौन सी लीफ पाई जाती है? ये माइक्रोफिलस है। ये क्या है? माइक्रोफिलस होती है। जो सेक्स ऑर्गन्स जो करते हैं, जो स्पोर को या स्पोरेंजियो करती है, वो क्या होती है? रिप्रोडक्टिव लीफ स्पोरोफिल होती रहती है। ये कौन है? सिलाजिनेला के बारे में। ओके, अब मैं दिखाता हूं आपको। यस, ये देखो, यहां पे आप देखिए, ये देखो, ये आपकी क्या है? स्पोरोफिल है। ये क्या है? ये लीफ स्पोरोफिल होती है, स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ होती है, स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ आपकी होती है। अब हम बात करेंगे हमने लीफ के बारे में जान लिया, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करें इसके लीफ के बारे में, तो स्पोरोफिल्स के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ये देखिए, ये जो लीफ आपकी सामने है, ये जो लीफ आपके सामने है, ये लीफ, ये क्या है? लीफ बियरिंग स्पोरेंजिया। जो लीफ स्पोरेंजिया को रखती है, उसे क्या कहेंगे? स्पोरोफिल। देखो लिखा क्या है यहां पे, अगर आप देखें, द लीव्स दैट बियर स्पोरेंजिया आर नोन एज द स्पोरोफिल्स। याद रखिएगा ये पॉइंट, द लीव्स दैट बियर स्पोरेंजिया दैट इज नोन एज स्पोरोफिल, या रिप्रोडक्टिव लीव भी कह सकते हो, या इसको क्या कह सकते हो? रिप्रोडक्टिव लीव कह सकते हो। इसका एक टर्म और मैं बोल रहा हूं, दैट इज अ रिप्रोडक्टिव लीफ, रिप्रोडक्टिव लीफ था। और ये आप देख रहे हैं, दैट इज अ सोरस। द स्पोरोमिल, द स्पोरोफिल मे बी वाइडली स्कैटर्ड ऑन द प्लांट्स। लीफ क्या हो सकती है? बहुत स्कैटर्ड हो सकती है, जैसे कि आप देख रहे हो, स्पोरोफिल मे बी वाइडली स्कैटर्ड ऑन ए प्लांट फर्न के अंदर, और मे बी क्लस्टर्ड डिफाइंड एरिया कॉल्ड एज कोन्स और स्टोबलाइज। मेरी बात समझिए कि या तो ये कोन का रूप ले सकती हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये कोन लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या आपकी है? ये आपका, कहने का मतलब मेरा क्या है, ये जो आपका है, दैट इज अ कोन। अब आपको ध्यान रखने की जरूरत है, या तो जो लीफ है वो क्या करे, देखिए लिखा गया है, द स्पोरो में भी वाइडली स्कैटर्ड, अलग अलग पार्ट में हो, उसके ऊपर स्पोरेंजिया पाई जाती हो, या सबके सब जितनी इस लीफ है वो क्लस्टर्ड हो जाए और क्या करो, स्पोरेंजिया यूनाइट हो जाए और एक कोन या स्टोबिलाई का निर्माण कर सके। तो याद रखिएगा, अगर स्पोरोफिल क्लस्टर्ड बना ले, आपस में जुड़ जाए और इसके बाद क्या बने, कोन लाइक स्ट्रक्चर बना ले, या तो सेपरेट रहे। अब आप देखो यहां पे, ये क्या आपका है? अब यहां पे आपको समझना है, यहां पे देखिए आप, ये क्या है? कोन लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या है? कोन। कोन का मतलब क्या हुआ? ये देखिए, ये भी आपका स्ट्रोबिलस, तो ये क्या होता है? जब स्पोरेंजिया लीफ के अंदर क्लस्टर्ड फॉर्म में आ जाए, या कहते हैं पूरी लीफ यूनाइट हो जाए, यूरोफिल यानी स्पोरोफिल क्लस्टर टू फॉर्म कोन आर
जो लीफ होती हैं, जो स्पोरेंजिया को बियर करती हैं, वो क्लस्टर्ड हो जाए, आपस में यूनाइट हो जाए और क्या बना ले, कोन लाइक स्ट्रक्चर बना ले या स्ट्रोबिलस लाइक स्ट्रक्चर बना ले, तो उसे क्या बोलेंगे, कोन या स्ट्रोबिलस होता है। जैसे इक्विसिटर के अंदर कोन का निर्माण होता है और कहीं कहीं इनको स्ट्रोबिलस भी कहते रहते हैं। तो याद रखेंगे ये बात हमको कि जब स्पोर फुल क्लस्टर हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, कोन या स्ट्रोबिलस लाइक स्ट्रक्चर। बेसिकली कोन आगे आप देखोगे जिम्नोस्पर्म के अंदर आपको दिखेगा, मेल कोन है फीमेल कोन दिखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये कोन लाइक स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है। और देखेंगे जैसे आप देखिए यहाँ पे आप इस डायग्राम में ही देख सकते हो, ये देखो ये स्पोरोफिल लीफ है ना, और ये किसको रखी है, मेगा स्पोरेंजियम को। तो स्पोरेंजियम को रखा हुआ है, इसका मतलब कि कुछ लीफ हमारी क्या हो जाती हैं, कुछ लीफ हमारी स्पेशलाइज हो जाती हैं, कुछ लीफ हमारी स्पेशलाइज हो जाती हैं, और यहाँ ये किसको रखती हैं, स्पोरेंजिया को रखती हैं। ये कौन होती है, स्पोरोफिल। और इस तरह से ये क्या करती हैं, यूनाइट हो जाती रहती हैं ऐसे ऐसे, और सब क्या करती हैं, कोन लाइक स्ट्रक्चर, ये एकदम ऐसे कॉम्पैक्ट कोन लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये क्या होती हैं, स्पोरोफिल, और ये क्या होता है, स्पोरेंजिया होते हैं। तो जब ये कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं तो इसे कहते हैं कोन या स्ट्रोबिलस, कोन या स्ट्रोबिलस कहते हैं। याद रखिएगा इस तरह से ये रिप्रोडक्टिव लीफ होती है, स्ट्रोबिलस या कोन लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब हम बात करते हैं कि देखो कभी कभी क्या होता है, आपसे पूछ लेता है कभी कभी कि सर्टेन टेरिडोफाइट्स, कुछ टेरिडोफाइट ऐसे भी रिपोर्ट किए गए हैं, कुछ टेरिडोफाइट्स, सर्टेन टेरिडोफाइट्स द स्पोरेंजिया आर प्रोड्यूस विद इन द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट इज द स्पोरोकार्प, मार्सिलिया, साल्विनिया, एजोला। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है, कभी कभी पूछ लेता है कि स्पोरेंजिया आर प्रोड्यूस विद इन द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस इन स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस इन द स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं स्पोरोकार्प। एग्जाम्पल याद रखिएगा, बहुत पूछता है मार्सिलिया, साल्विनिया और एजोला, मार्सिलिया, साल्विनिया और एजोला, इनके अंदर क्या होता है, स्पोरोकार्प रहता है। इसका मतलब आपने देखा, आपने देखा, अब मैं बात कर रहा हूं तीन तरह की, जो लीफ होती है, जो लीफ होती है, या आप कह सकते हो रिप्रोडक्टिव लीफ होती है, रिप्रोडक्टिव लीफ हो सकती है, वो तीन तरह का स्ट्रक्चर बना सकती है। वो क्या क्या बना सकती है, स्पोरोफिल, स्पोरोफिल जो सोरस का निर्माण कर सकती है, स्पोरोफिल यूनाइट करके बना सकती है, स्पोरोफिल यूनाइट करके फॉर्म कर सकती है कोन या स्ट्रोबिलस, कोन या स्ट्रोबिलस। स्पोरोफिल स्पोरेंजिया फॉर्म इन स्पोरोकार्प, स्पोरोकार्प। आप तीन तरह की स्ट्रक्चर्स में आप देख रहे हो कि ये तीन तरह की लीफ होती है, सोरस, कोन या स्ट्रोबिलस या स्पोरोकार्प होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, कहने का मेरा मतलब क्या हो सकता है कि देखो इस स्ट्रक्चर्स को आप देखिए, ये को लिखा स्पोरोफिल में भी आइदर, देखिए लिखा गया है, अगर आप देखें क्या लिखा है, यहां पे लिखा गया है कि यस देखेंगे आप, लिखा गया स्पोरोफिल, स्पोरोफिल का मतलब क्या, लीफ जो स्पोरेंजिया को बियर करती हो। पहली बात तो टर्म कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जो लीफ स्पोरो स्पोरेंजिया को बियर करती है, स्पोर को बियर करती है, उसे क्या कहेंगे, स्पोरोफिल। इसका मतलब
स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ, इसे कहने पर एग्रीगेट इनटू कॉम्पैक्ट कोन, कोन या स्ट्रोब लाइन बना सकता है एट द एंड ऑफ द स्टेम, जैसे सिलेजनेला, लाइकोपोडियम और इक्विसिटम। देखो ये कोन लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, ये इक्विसिटम है। सिलेजनेला के पास में भी ऐसे क्या होती है, लीफ क्या होती है, बाद में आरंभ जाती है कोन है, ठीक है, ऐसे कोन या स्ट्रोबिलस हो सकता है, याद रखिएगा कोन या स्टेम होता है। आसमुंडा के अंदर भी देखो ये आपका है, ये लाइकोपोडियम है, आसमुंडा है, ये सिलेजनेला है, ये आपका तो कोन का। अब दूसरी बात, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर देखें, यस दूसरा पॉइंट आपको क्या रखना है, पहली पॉइंट, दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है यहां पे देखिए कि इन टू फर्न्स, कुछ फर्न के अंदर स्पोरेंजिया कहाँ पाई जाती है, लोकेटेड ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ इन द क्लस्टर कॉल्ड एज द सोराई, याद रखिएगा। अब जो मैं अगला पॉइंट बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो स्पोरेंजिया आपका है क्लस्टर फॉर्म, स्पोरेंजिया क्लस्टर फॉर्म ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीफ, अगर स्पोरेंजिया लोअर सरफर में क्लस्टर के फॉर्म में बनती है, मतलब बहुत सारी जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा हो, देखो ये जैसे लीफ के लोअर सरफेस छोटे छोटे जो बन रहे हैं ना, दिस इज द सोराई, सोरस होते हैं, यानी क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दैट इज सोरस लाइक स्ट्रक्चर होता है, सोरस लाइक स्ट्रक्चर का। ये कहाँ बनते हैं, लीफ के इनर सरफेस पे बनते हैं, लीफ के इनर सरफेस पे बनते हैं। अगर आप देखो, देखो मैंने आपको क्या बताया था, स्पोरोफिल दैट इज स्पोरेंजिया बेरिंग, ठीक ना। अब हमको ये बात भी समझ में आ रही होगी अगर हम बात करें, यस यहाँ पे देखिए इस डायग्राम के अंदर बहुत क्लैरिटी के साथ में आपको देखेगा, ये क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपकी है स्पोरोफिल, स्पोरोफिल ये लीफ आपकी है, दैट इज अ स्पोरोफिल लीफ, इसे कहेंगे रिप्रोडक्टिव लीफ, और ये लीफ का क्या है, लोअर सरफेस, लोअर सरफेस, और ये क्या रखती है, कंटेन क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया, क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया को रखती है, और जिन्हें हम क्या कहते हैं, सोरस। तो आपसे कभी पूछे स्पोरोफिल जो लीफ कि निचला सरफेस होता है, ये देखिए ये क्या आपकी है, एक लीफ है, ये आपकी लीफ है, और इस लीफ के निचले सरफेस पे देखिए ऐसे बहुत सारे आपके क्या है, ये सब डिसऑर्डर सोरस, और एक सोरस के अंदर बहुत सारी स्पोरेंजिया पाई जाती हैं, स्पोरेंजिया पाई जाती हैं, इसका मतलब क्या हो गया, स्पोरोफिल दैट इज स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ, और ये स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ होती है, और दूसरा टर्म आपका हमारे सामने सूरस, दैट इज अ क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया, कहां मिलती है, फर्न लीफ के अंदर, फर्न लीफ के अंदर। देखो ये सारे आपके देखिए ये बने हुए ना, ये देखिए ये लीफ के क्या है, सोरस है, सोरस इसे कहते हैं, बहुत सारे सोरस मिल जाए उसे कहते हैं सोराई, सोराई भी कह सकते हैं, सोराई क्या है, प्लूरल वर्ड है, जो आपका सिमिलर सोरस प्लूरल क्या होगा, सोराई होता है।
इसका मतलब सोराई का मतलब होता है, सोरस का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया, और ये स्पोरेंजिया लीफ के इनर सरफेस पे, लीफ के निचले भाग पे क्या होते हैं, स्पेसिफिक अरेंजमेंट करते हैं। कभी कभी इनका अरेंजमेंट के फर्न का क्लासिफिकेशन स्पोरेंजिया के सोरस के अरेंजमेंट पे बेस पे भी दिया जाता है। तो ये डिफरेंट तरीके से अरेंज होते रहते हैं, ये डिफरेंट तरीके से अरेंज होते रहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह से आपने देखा कि फर्न के अंदर, फर्न के लीफ के अंदर सोरस नामक स्ट्रक्चर पाई जाती रहती है। ओके, ये बात समझ में आ गई, एक बार हमको रिप्लाई करिए जितने लोग भी जुड़े हैं, ऑल दोज स्टूडेंट्स, आपको ये बात समझ में आया कि नहीं? अब आपको ये बात समझ में आई कि नहीं? देखिए अब हम बात करेंगे, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं उनको रिप्लाई करें, क्या सिचुएशन है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया आपको? चलो, तो सोरस की परिभाषा आपको समझ में आ जाएगी, मैंने आपको बताया, जैसे आप देख सकते हो बहुत सिंपल सा है, आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी, द ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, द ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया देयरफॉर कॉल्ड एज द सोरस होते हैं, आर स्पोरेंजिया यूजुअली अकर इन द क्लस्टर कॉल्ड एज द सोरस या सोराइस, फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ द फर्टाइल लीफ, फर्टाइल लीफ के अंडर साइड में। ओके, यस, बिल्कुल सभी लोग रिप्लाई करें, क्या सिचुएशन है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब ये फर्न जो आपके फर्न होते हैं ना, बेसिकली उनमें ये किस कलर का होता है, दीज आर फ्रॉम एलोविस या ब्राउनिस मॉस एट द अंडर लाइफ ऑफ द फर्टाइल, जो फर्टाइल लीफ होती है ना उसके लीफ के निचले सरफेस पे देखोगे आपको, ये देखो एलोविस कलर का दिख रहा है ना, ये ब्राउनिस कलर का जो जो स्पोरेंजिया लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ब्राउन कलर का, एलोविस कुछ कलर का होता है, यही क्या कहलाता है, सोरस या सोराई कहलाता है, सोराई कहलाता है। इन सम स्पीसीज, कुछ स्पीसीज के अंदर ये भी देखा गया है कि कुछ स्पीसीज के अंदर, इन सम स्पीसीज दे आर द प्रोटेक्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट बाय द स्केल और फिल्म ऑफ द टिश्यू कॉल्ड एज द इंड्यूशियम। याद रखिएगा इंड्यूशियम, कभी कभी आपसे पूछ लेता है इंड्यूशियम क्या है, तो याद रखिएगा जो सोरस का डेवलपमेंट होता है, जो स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है ग्रुप के अंदर, उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिन्हें क्या कहते हैं, इंड्यूशियम कहते हैं, विच फॉर्म द अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर। कभी कभी आपसे पूछ लेता है विच फॉर्म एन अम्ब्रेला लाइक कवर, इट मे बी आर प्रोटेक्टेड, मतलब कि जो सोरस होता है उसको प्रोटेक्शन देने वाले स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इंड्यूशियम कहते हैं, इंड्यूशियम कहते हैं। तो आपको दो टर्म याद होना चाहिए, सोरस क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया, और इस क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया सोरस को जो प्रोटेक्ट करने वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं इंड्यूशियम होते हैं। यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। इंड्यूशियल प्रोटेक्शन, इंड्यूशियल प्रोटेक्शन, सम सोराई या द नेकर, देखिए लिखा गया है सम सोराई आर नेकेड, अदर हैव एन इंड्यूशियम, कुछ नेकेड होते हैं, कुछ के पास इंड्यूशियम होता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ यंग डेवलपिंग स्पोरेंजिया, जो स्पोरेंजिया होते हैं उनको प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, इंड्यूशियम लाइक स्ट्रक्चर होता है। द शेप एंड द फॉर्म ऑफ, द शेप एंड द फॉर्म ऑफ इंड्यूशियम, द मेथड ऑफ अटैचमेंट आर द वेरिएबल होता है, ठीक ना, ये इपिडर्मल ग्रोथ हो सकते हैं, दे मे बी द इंड्यूशियम मे बी द इंड्यूशियम मे बी फॉर्म एज एन इपिडर्मल आउट ग्रोथ कवरिंग रिसेप्टिकल एंड स्पोरेंजिया होता है, जिसे कहते हैं ट्रू इंड्यूशियम का फॉर्मेशन होता है, या ये क्या हो सकता है, इट मे बी मेरली बी ए टर्निंग ऑफ द मार्जिन ऑफ द लीव टू द प्रोटेक्ट द स्पोरेंजियम। अब ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है स्यूडो इंड्यूशियम या फॉल्स इंड्यूशियम क्या होता है, तो ट्रू इंड्यूशियम किससे बनता है, ध्यान रखिएगा ये इंड्यूशियम क्या होता है, इपिडर्मल आउटग्रोथ कवरिंग द रिसेप्टिकल या होता है, ट्रू लीफ होती है ट्रू इंड्यूशियम, और जो फॉल्स इंड्यूशियम होता है वहां लीफ की मार्जिन कर्ल कर जाती है और स्पोरेंजिया को प्रोटेक्शन दे देती है, उसे कहते हैं फॉल्स या स्यूडो इंड्यूशियम कहते हैं। ये दोनों टर्म भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, कई बार आ जाता है एग्जाम में, तो इसको समझने की जरूरत है। देखो ड्रायप्टेरिस की लीफ को दिखाया गया है, ये ड्रायप्टेरिस की लीफ को दिखाया गया, ये क्या है सोराई, ये देखो क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया पाई जाती है,
और ये जो आपका दिख रहा है देखो कवर्ड इंड्यूशियम, ये इंड्यूशियम से क्या किया है, घेरा हुआ है, ये इंड्यूशियम की तरह से क्या हुआ है, घेरा गया है, मेम्ब्रेनस टू इंड्यूशियम, किसको घेरा हुआ है, स्पोरेंजियम को, ये क्या है, स्पोरेंजियम को, इस स्पोरेंजियम को जो कवरेज मिल रहा है किससे मिल रहा है, टू इंड्यूशियम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, इपिडर्मल ग्रोथ होती है, ये देखो इस तरह से निकला हुआ है, तो ये क्या होता है, टू इंडोशियम। जहां पे मैंने आपको बताया डिफिनेशन को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, यहाँ पे दो टर्म आपको ध्यान रखने की जरूरत है, टू इंडोशियम याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछ लेता आपसे है, टू इंडोशियम और फॉल्स इंड्यूशियम, इन दोनों की मीनिंग समझ लीजिए। ट्रू इंड्यूशियम जो आपकी होती है वो कहाँ से ग्रोथ होती है, इपिडर्मल आउट ग्रोथ होती है। फॉल्स इंड्यूशियम क्या होता है, लीफ का ही कोई पार्ट कर्वेचर मुड़ जाए और स्पोरेंजिया को प्रोटेक्शन देने जाए, उसे कहते हैं फॉल्स इंड्यूशियम कहते रहते हैं। ओके, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, इंड्यूशियम का फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन करना होता है, ये आपने देखा। पोजीशन ऑफ सोरस, फर्म, अब फर्म की सोराई के आधार पे इनमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, अगर बहुत डिटेल में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो इन पांच छह पॉइंट्स को भी आपको जान लेने की जरूरत होती रहती है, इन पांच छह पॉइंट्स को भी जान लेने की जो होता है, फर्म का जो क्लासिफिकेशन आपका होता है, फर्न का जो क्लासिफिकेशन होता है, जो आपके फर्न होते हैं, ड्राफ्ट स्क्रिप्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो टेरिडोफाइट्स है वो चार ग्रुप में बटे हुए हैं, ठीक ना, आपने लाइकोपोडियल्स देखा, ठीक ना, लाइकोपॉड्स का नाम सुना होगा आपने, सुना होगा साइनोटेल्स का नाम सुना, ऐसे ही आपने फर्न का भी नाम सुना होगा। तो फर्न का जो होता है, जिनके पास सोरस का निर्माण होता है, उनकी क्लासिफिकेशन का आधार क्या है, पोजिशन ऑफ सोरस। जैसे मैंने बोला, आप एक सिंपल सा देखो एग्जाम्पल, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो आप इस लीफ को देख करके, ये दो प्लांट की लीफ है, ये दो प्लांट की लीफ है, एक पे सोराई देखो किस तरह अरेंज है, दूसरे पे सोराई कैसे अरेंजमेंट है, पूरी इलांगेटेड लीफ है, दो तरह की लीफ है, ये टू प्लांट्स है, आप देखो ये क्या आपका दिखा रहा है, ये वन प्लांट है लीफ है, ये सेकेंड प्लांट, ये अनदर प्लांट है, ये अनदर प्लांट लीफ है, प्लांट लीफ है, तो दोनों के प्लांट की लीफ को आप पहचान सकते हैं, किस आधार पर पहचान सकते हैं, इसके स्पोरेंजिया के अरेंजमेंट पे, इसके सोरस के अरेंजमेंट पे, उसमें देखिए लंबी लंबी लाइन बनी हुई है, इस पे जरा देखो आप लोग, ये कैसे बना हुआ है, ऐसे लंबा लंबा बना हुआ है, ये देखो आपका ये सोरस का अरेंजमेंट है ना, किस तरह दिख रहा है, इस तरह से दिख रहा है, और इस पे कैसा दिख रहा है, राउंड राउंड। तो इस तरह लीफ को देख करके आप पहचान सकते हैं, लीफ को देख करके पहचान सकते हैं कि फर्न की अलग अलग स्पीसीज कौन सी होती है। तो फर्न का क्लासिफिकेशन लीफ पे सोरस के अरेंजमेंट के आधार पे दिया गया है, इस बात को भी जानने की जरूरत है। देखो जैसे मैंने आपको बताया, यस, कुछ का एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूं, जैसे कहां कहां पे ये किस तरह से मिलते रहते हैं, यहां पे देखेंगे जैसे मराठिया, एंजियोप्टेरिस, डैनिया, ये सब जो प्लांट्स आपके हैं, द सोराई आर द इलोंगेटेड एंड सिचुएटेड बिलो द लैटरल वेन, तो ये पहचान इन प्लांट की है, ठीक ना, मराठिया हो गया आपका, ये आपका है मराठिया प्लांट्स, एंजियोप्टेरिस, डैनिया, इन प्लांट्स में क्या होता है, सोराई इलांगेटेड होते हैं, जो सोराई होते हैं ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया होते हैं वो इलांगेटेड होते हैं, और ये लोअर सर्फेस पाई जाती है लीफ वेन्स के बीच में होता है। अगला आपको है क्रिस्टेनिया, इसमें सोराई या द नेकेड इंडोसियम से घिरा नहीं होता है, प्रोटेक्शन नहीं होता है, सर्कुलर होता है एंड इरेगुलर अरेंजमेंट बिटवीन द लैटर होता है इन प्लांटों में। कुछ प्लांट जैसे आपने सुना होगा, सबसे मोस्ट कॉमन एडियंटम, एडियंटम के अंदर अगर आप देखोगे स्पोरेंजिया डेवलप ऑन द अंडर साइड ऑफ द स्पेशलाइज्ड मार्जिन फ्लैप ऑफ द लैमिना और दे बिकम रिफ्लेक्ट एंड प्रोटेक्ट द सोरस होता है।
एडियटम के अंदर देखोगे। ऐसे ही मैटोनियसी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, मैटोनियसी फैमिली होता है, वेंट्रल इंपोजिशन होता है, सोराई वेंट्रल इंपोजिशन पाई जाती रहती है, और यूजली क्या होती है, अरेंज इन द टू रो ऑन आइदर साइड ऑफ द मिडरिब, यानी लीफ आपकी है उसके दोनों तरफ ये क्या है पाई जाती है, मिडरिब के दोनों साइड पे होता है। अब आपको देखिए इन ग्लिचिनियसी फैमिली आपकी पाई जाती है, द स्पोरेंजिया फ्रॉम द डिस्टिंग सोराई ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द लीफ। तो ये क्या डिफरेंट अरेंजमेंट है सोराई का, इसके आधार पे इनको डिवाइड किया गया होता है। कुछ आपके होते हैं जैसे आसमुंडा, डेवेरिया, ट्रोहॉर्मन्स, इनके अंदर क्या होता है मार्जिन इन पोजिशन होती है सोराई का। तो सोराई की पोजिशन के आधार पे भी क्या 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 है इस फर्न का क्लासिफिकेशन किया गया है, फर्न का क्लासिफिकेशन होता होता है। अब थोड़ी सी हम बात जानेंगे कि सोरस का टाइप्स ऑफ सोरस क्या होता है, टाइप्स ऑफ सोरस क्या होता है, सोरस क्या होता है। देखो सोरस तो सबको समझ आ रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सोरस। अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया सोरस का मतलब क्या होता है, क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया, क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया होता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो डिपेंडिंग ऑफ नेचर, नेचर ऑफ द सोरस एंड स्टेज ऑफ स्पोरेंजियल डेवलपमेंट, फॉर इन द डिवाइड एज सिंपल, ग्रेडेड और मिक्स्ड, तीन तरह का ये आता है। बेसिकली देखा गया है कि टाइप्स ऑफ, अगर मैं सोरस की बात करूं तो मैं टाइप्स ऑफ सोरस की बात करूं तो अगर हम देखें तो ये सिंपल होता है, यानी टाइप्स ऑफ सोरस की मैं बात करूं, सोरस की बात करूं तो सोरस जो होता है, जो ये तीन तरह का बेसिकली होता है, एक आपका होता है सिंपल, दूसरा आपका होता है ग्रेडेड, ग्रेडेड सोरस, तीसरा होता है मिक्स्ड सोरस होता है। तीन तरह का सोरस डिवाइड किया गया है, यानी क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया जो होती है उसकी तीन तरह से फॉर्मेशन हो सकती है। देखिए सिंपल सोरस की परिभाषा क्या करता है, याद रखिए मैं आपको सिंपल, पहला आपका कौन सा है सिंपल सोरस, सिंपल सोरस क्या कहता है, देखिए सिंपल, द स्पोरेंजिया इन सच सोरस, इन ए सच सोरस डेवलपमेंट साइमल्टेनियसली एंड ऑल ऑफ देम मैच्योर टुगेदर, याद रखिएगा सिंपल टाइप का सोरस क्या होता है जिसमें सभी स्पोरेंजिया मैच्योर एक टाइम पे होते हैं, मैच्योर डेवलपमेंट साइमल्टेनियसली, सभी स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट साथ साथ होता है और मैच्योर क्या होती है एक साथ होती है, इसे कहेंगे सिंपल सुनता है, ठीक ना। यानी ऑल स्पोरेंजिया विद इन सोरस मे बी एट द सेम स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट, याद रखिएगा सेम डेवलप होता है, ठीक ना। और द सिंपल, देखो अब यहां पे देखो सिंपल, सिंपल जो सोरस होता है आर द प्रिमिटिव होता है एक्सटेंड द पेरियोजी, बेसिकली कहते हैं सिंपल वाला क्या होता है, ये बेसिकली प्रिमिटिव टाइप का सोरस डेवलपमेंट होता है। अगर आपसे पूछ ले सिंपल सोरस का मतलब क्या होता है, ऐसा सोरस जिसमें सभी स्पोरेंजिया एक साथ मैच्योर होते हैं, एक ही डेवलपमेंट में स्टेज में होती है, उन्हें कहते हैं सिंपल सोरस, सेम टाइम मैचुरेशन। मैं आपको अगर यहां बात करूं तो यहां क्या कह सकता हूं मैं कि आप देख सकते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं कि सेम टाइम मैचुरेशन ऑफ स्पोरेंजिया, अगर एक ही टाइम स्पोरेंजिया का मैच्योर होता है उसे कहते हैं सिंपल टाइम होता है। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा अगर मैं बात करूं ग्रेटेड सोरस की बात करूं, यहां पे क्या होता है, यहां पे आपको ध्यान रखना है कि यहां जो अरेंजमेंट होता है, सेंट्रल पोजीशन पे क्या होता है, सेंट्रल पोजीशन पे
मैच्योर स्पोरेंजिया होते हैं सेंटर पोजीशन पे, और पेरिफेरल पोजीशन जो लीफ की पेरिफेरल पोजीशन में होगा वहां पे हमको मिलेगा, वहां पे इमैच्योर स्पोरेंजिया होंगे। क्या होंगे? मैच्योर स्पोरेंजिया होंगे। याद रखिएगा ग्रेडेड स्पोरस का कहने का मतलब क्या होता है, अगर उस सोरस के अंदर देखोगे सेंटर पार्ट में क्या आपका होगा, सेंटर पार्ट में क्या होगा, इस तरह अगर आपको देखोगे सोरस के अंदर ये जो सेंटर वाले पार्ट में होंगे ये मैच्योर स्पोरेंजिया होगा, मैच्योर स्पोरेंजिया होगा, और जो ये साइड साइड वाले होंगे, जो साइड वाले होंगे आपके, ये मैं कह दूँ ये जो साइड वाले होंगे पेरिफेरल वाले होंगे ये क्या होंगे, इमैच्योर होंगे, इमैच्योर स्पोरेंजिया होंगे। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा सोरस के अंदर उसे कहेंगे ग्रेडेड सोरस कहते हैं, ग्रेडेड सोरस कहते हैं। इमैच्योर सोरेंजिया क्या होते हैं, पेरिफेरल पोजीशन होते हैं, और मैच्योर वाले क्या होते हैं, सेंटर होते हैं, जहां दोनों, ठीक है ये बात आपको सिंपल बताया, ठीक है। और सिंपल मैंने बोला कि एट द सेम टाइम मैच्योरेशन होता है तो सिंपल टाइम का होता है, यानी जो मैच्योर वाले सेंटर में रहेंगे इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी आप कह सकते हैं इमैच्योर या यस। तीसरा टाइप का हमारा होता है, तीसरा टाइप अगर मैं बात करूँ स्पोरेंजिया की, मैं बात करूँ तीसरे टाइप की, मैं स्पोरेंजिया की बात करूँ तो आप देख सकते हो यस, आप यहाँ पे देखिए तीसरे टाइप का होता है मिक्स टाइप का होता है। अगर मैं बात करूं मिक्स टाइप स्पोरेंजिया की, मिक्स्ड सोरस, जो तीसरा मैंने आपको बताया मिक्स्ड सोरस होता है, यहां पे क्या होता है मैच्योर एंड इमैच्योर स्पोरेंजिया अरेंज्ड इरेगुलरली। यहां पे ध्यान रखिएगा कैसे होते हैं, इरेगुलरली यस, यस देखेंगे आप लोग, यस चलिए। तो आप देखोगे इरेगुलरली, अगर जहां पे मैच्योर इमैच्योर क्या होता है, इमैच्योर स्पोरेंजिया अरेंज इरेगुलरली होता है, जैसे मैं कह दूं आपके सामने कि ये सब के सब आपके इसी में आपका मिक्स्ड हो गया, क्या हो गया मिक्स टाइप्स हो गया, ये इरेगुलरली अरेंजमेंट है। ओके तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ये क्या है, एक मिक्स्ड अरेंजमेंट आपका दिख रहा है। तो इस तरह से क्या होगा, मिक्स्ड स्पोरेंजिया क्या होती है, इमैच्योर मैच्योर अलग अलग नहीं होती है, दोनों साथ में होती है, आगे पीछे लगी रहती है, इन्हें हम कहते हैं मिक्स्ड टाइप ऑफ स्पोरेंजिया कहते हैं, इन्हें मिक्स्ड स्पोरेंजिया कहते हैं। तो ये अरेंजमेंट के आधार पर आपने देखा, एक में देखा एक साथ मैच्योर होते हैं सिंपल सोरस, जिसमें क्या होता है सेंटर पार्ट में, याद रखना सेंटर पार्ट में मैच्योर स्पोरेंजिया हो, सेंटर पार्ट में मैच्योर स्पोरेंजिया हो, और पेरिफेरल की तरफ इमैच्योर मैसेरिया होता है उसे कहते हैं ग्रेडेड सोरस, और जो मिक्स्ड होता है दोनों मैच्योर और इमैच्योर एक साथ अरेंज होते हैं। तो इस तरह से आपने देख लिया सिंपल ग्रेडेड और आपका मिक्स्ड सोरस होता है, तीन तरह का सोरस का निर्माण होता है। तो आपको एक एक पढ़ के समझ में आ गया होगा, यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी।
अब हमारे सामने आता है एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और आता है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। उसका नाम है आपका डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट कई बार एग्जाम में आ चुका है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट के आधार पे इनका क्लासिफिकेशन। ओके, कई बार आपके एग्जाम में आया। अब आप देखो, जैसे यहां पे अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया, तो दो तरह से डेवलपमेंट होता है, यूस्पोरेंजिएट एंड लेप्टोस्पोरेंजिएट। लेप्टोस्पोरेंजिएट अगर मैं बात करूं आपके सामने कि स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट की बात करूं, तो स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट के आधार पे दो भाग में इसको डिवाइड किया गया है, यूस्पोरेंजिएट एंड लेप्टोस्पोरेंजिएट। यूस्पोरेंजिएट एंड लेप्टोस्पोरेंजिएट, ऐसा स्पोरेंजिया डेवलप फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ द इनिशियल, जो ग्रुप ऑफ इनिशियल से डेवलप होता है उन्हें कहा जाता है, याद रखिएगा, उन्हें कहा जाता है यूस्पोरेंजिया। ऐसा एक स्पोरेंजिया जो कई सेल से, इनिशियल सेल से मिलकर बनता है, उसको यूस्पोरेंजिएट, यूस्पोरेंजिएट कहा जाता है, ठीक ना, फॉर्म और या टेरिडोफाइट्स। और जिन स्पोरोफाइट का, स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट केवल सिंगल इनिशियल सेल से होता है, सिंगल इनिशियल सेल से होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलप फ्रॉम द सिंगल इनिशियल सेल से, जो सिंगल इनिशियल सेल से डेवलप होते हैं उन्हें कहा जाता है लेप्टोस्पोरेंजिएट होता है। लेप्टोस्पोरेंजिएट कहा जाता है, तो याद रखेंगे लेप्टोस्पोरेंजिएट। तो यहां पे दो एग्जांपल आपका हो गया, आप देख लो, एक आपका यूस्पोरेंजिएट आपका डेवलपमेंट है, साइलोटम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम होता है। लेप्टोस्पोरेंजिएट में क्या होता है, बेसिकली फर्न आते रहते हैं, फर्न आते रहते हैं, साइलोटम और फर्न होते हैं। अगर और एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कौन कौन से और एग्जाम्पल होते हैं। अगर हम बात करें यहां पर यूस्पोरेंजिएट की एग्जाम्पल को आप याद रखेंगे और लेप्टोस्पोरेंजिएट का, यूस्पोरेंजिएट में कौन कौन, जैसे आप देख सकते हो सिलेजिनेला, एक्विसिटम, साइलोटम, इधर लेप्टोस्पोरेंजिएट में मार्सिलिया और अदर फर्न, जो फर्न होते हैं जिसमें होता है लेप्टोस्पोरेंजिएट होता है। तो डेवलपमेंट के ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गए, इंपॉर्टेंट आपके हो गए, जैसे आप देख रहे हो यूस्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट। यूस्पोरेंजिएट का मतलब क्या होता है, जब स्पोरेंजिया का निर्माण कई इनिशियल सेल से होता है उसे यूस्पोरेंजिएट कहते हैं, जैसे साइलोटम आपका हो गया, सिलेजिनेला हो गया, लाइकोपोडियम हो गया। लेप्टोस्पोरेंजिएट का मतलब हो गया कि सिंगल इनिशियल सेल से फॉर्मेशन होना। जरा देखो ये आपका डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है, तो इसको आपको जानने की जरूरत होती है। जैसे आप देख सकते हो यूस्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट, कभी कभी आपसे पूछ लेता है, पहले एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, एग्जाम के लिए क्या है आपका एग्जाम्पल, इसको याद रखना, एग्जाम्पल को याद रखने की जरूरत है। एग्जाम्पल क्या कहलाता है, स्पोरेंजिया एट द मैसिव या स्पोरेंजिया स्मॉल होती है। स्पोरेंजिया फॉर्म फ्रॉम द मेनी इनिशियल्स, कई सारी इनिशियल से बनती हैं, उसे कहते हैं यूस्पोरेंजिएट होता है। स्पोरेंजिया फॉर्म फ्रॉम द सिंगल इनिशियल सेल से होती है, ये आपकी दूसरी पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत होती है। देखो लिखा गया है स्पोरोजिनस टिश्यू डेराइव फ्रॉम द इनर डॉटर सेल, स्पोरोजिनस सेल डेराइव फ्रॉम द आउटर डॉटर सेल से होती है, याद रखिएगा। वॉल इज सेवरल सेल थिक, वॉल जो होती है सेवरल सेल थिक होती है, वॉल ओनली वन सेल थिक होती है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, जो आपके क्वेश्चंस के लिए एग्जाम के लिए है, दैट इज लाइकोपोडियम सिलेजिनेला इक्विसिटम, यहाँ पे टेरिस पॉलीपोडियम्स मार्सिलिया, दिस आर द फर्न्स, याद रखिएगा, ये पूछता रहता है, तो आपके सामने एग्जाम में ये पूछता रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिंगल इनिशियल सेल से जिसका डेवलपमेंट होता है, स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट देखो हो रहा है सिंगल इनिशियल सेल से, ये कौन आपका हो गया लेप्टो स्पोरेंजिएट हो गया,
लेप्टोस्पोरेंजिया। तो यहाँ पे क्या होता है, सुपरफिशियल इनिशियस होती हैं, देखो कई सारी सेल पार्टिसिपेट करती हैं, मेनी इनिशियल सेल। तो मेनी इनिशियल सेल से जो स्टार्ट होता है वो कौन होता है, जियोस्पोरेंजिएट होता है, जियोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट का भाग होता है। ये किसका निर्माण हो रहा है, स्पोरेंजिया का निर्माण हो रहा है। तो स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट के आधार पे, ये स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट के आधार पे क्या होता है कि इसको दो ग्रुप में बांटा गया है। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप देखोगे कि इस तरह से आपके सामने ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है और इनके नाम याद जरूर रखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, दीज आर द डेवलपमेंट ऑफ द लेप्टोस्पोरेंजिएट एंड यूस्पोरेंजिएट स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन। जहाँ पे इनर सेल आउटर सेल, इनर सेल से फिर क्या होता है बाद में आप देखोगे कैसे स्पोरेंजिया का निर्माण हो रहा है, बेसिकली फर्म के। अब हम बात करेंगे आगे, यहां तक आपने देखा लेप्टोस्पोरेंजिएट यूस्पोरेंजिएट। अब हम आगे बात करेंगे प्लांट के अंदर। हमने आपको एक चीज और बताया था, अगर आपको याद हो तो हमने बोला था कुछ एक्वेटिक फॉर्म होते हैं, जैसे हमने बोला ना एक्वेटिक फॉर्म होता है साल्विनिया मार्सेलिया स्पोरेंजिया, कहाँ प्रेजेंट होता है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो होता है स्पोरोकार्प के अंदर प्रेजेंट होता है। ये कहाँ मिलते हैं आपको, है मार्सेलिया, याद रखिएगा मार्सेलिया साल्विनिया क्या बनता है, स्पोरेंजिया किसके अंदर पाई जाती है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के अंदर पाई जाती है, जिसको नाम दिया गया है स्पोरोकार्प। अब हम बात करेंगे आगे प्लांट होमोस्पोरस क्या होता है, हेट्रोस्पोरस क्या होता है, लाइकोपोडियम। अब हम बात करेंगे होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस क्या होता है। जहां सिंगल टाइप आपका स्पोर होता है, ये इसके बारे में हम लोग बात करेंगे होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस क्या होता है। तो ये कुछ बातें हमने आपको बताई, कि ये किस तरह से फॉर्मेशन होता है। इस तरह से आपने देखा, कुछ हम लोगों ने बात किया आपके सामने लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट्स के साथ में कैसे डेवलपमेंट होता है। ठीक, तो अभी जो हम लोगों ने बातें की हैं ये बेसिकली स्पोरोफाइट्स के बारे में बात किया है। तो आज का लेक्चर यहीं तक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे बात करूंगा कि होमोस्पोरस हेट्रोस्पोरस सीड हैबिट एंड हेट्रोस्पोरी क्या होती है टेरिडोफाइट्स के बारे में। आज का लेक्चर यहीं तक खत्म होता है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।